Hello everyone, welcome to the Engineers Wallah. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं बहुत 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 अच्छे होंगे. और आज की हमारी शुरुआत को मैं 1% के लिए भी आप लोगों का वेस्ट नहीं होने दूंगा. बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे. आप लोगों ने ऐसी क्लास कभी इससे पहले नहीं पढ़ी होगी, इट्स माय प्रॉमिस टू यू. और दूसरी बात, हम लोग इस क्लास के अंदर जान डाल देंगे. आप हूं मैं, हम दोनों मिलकर इस क्लास के अंदर जान डालने वाले. कैसे आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा. एक और जो सबसे जबरदस्त चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, कि इस क्रैश कोर्स के बाद में आप लोगों को जो जोश, जो जुनून, जो एक एनर्जी आने वाली है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगी. सो प्लीज आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं आप लोग. देन उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं. तो क्या चल रहा है? और अभी 400 बच्चे देख रहे हैं. मैं चाहता हूं इस क्लास के अंदर 400 नहीं, इस क्लास के अंदर कम से कम 1000 बच्चा होना चाहिए और वो एक गजब की एनर्जी होगी मेरे लिए. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग यहां पे. एंड थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? बिल्डिंग मटीरियल. और देखो, हिंदी वाले स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है. हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं. हिंदी होगा चाहे इंग्लिश होगा, दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. तो जल्दी से बता दें आप मुझे कैसे आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर हम लोग शुरू कर देंगे. चरण स्पर्श नमस्कार. और कैसे हैं आप सभी? चलिए तो सबसे पहली बात 1000 हो जाने चाहिए आज की क्लास के अंदर, है ना? आप लोगों से एकदम एक्सपेक्टेशन है मुझे गजब की. चलिए तो हम लोग फिर शुरू करते हैं इस क्लास को. और अभी जस्ट 2 मिनट हुए हैं. ठीक है, और हम लोग देखते हैं इस क्लास में क्या क्या चल रहा है. देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा बीएमसी के बारे में. तो यहाँ पे जो अपना पहला चैप्टर होने वाला है बहुत ही सुंदर सा है. अच्छा, एक चीज और, क्लास के अंदर मोटिवेट भी करता रहूंगा, क्लास के अंदर कंटेंट भी बताता रहूंगा. हर एक चीज क्लास के अंदर रहेगी. एक प्रॉमिस आप लोगों को करना है. वो क्या प्रॉमिस है? सर, जैसा जोश आज मुझे क्लास के अंदर दिखाई दे रहा है, मैं वैसा ही रहूंगा आगे आने वाले 60 दिन तक, जब तक मेरा एग्जाम यहाँ पे नहीं चढ़ जाता है. ठीक है ना? एकदम प्रॉमिस करो कमेंट बॉक्स के अंदर, एकदम दिल विल सब कुछ आ जाना चाहिए. चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा बीएमसी और सीटी की बात कर रहा हूं. पिछले कुछ सालों का एनालिसिस अगर मैं देखता हूं तो ये सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो लगभग मान के चलिए 15 से 20 तो रहता ही है. और अगर मैं मान के चलूं इसको तो 20 से 22 ही समझिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर इस नंबर से कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे. जल्दी से एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा. चलिए अब देखें, सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में. आपको बता दिया बीएमसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बीएमसी एंड सीटी. दूसरी बात, सीमेंट एंड लाइम, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्या है बेटा? सीमेंट और लाइम. काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लें. तो सर यहाँ पे हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइम के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ ही कराता हुआ चलूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है. टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, 1% भी आप लोग टेंशन मत लेना. ठीक है ना बच्चे? और 1000 बच्चे आज हो जाने चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरीके से. तो मतलब गर्दा उठा देंगे आज हम लोग क्लास के अंदर, समझ रहे हो? आज हम लोग गर्दा उठा देंगे क्लास के अंदर. चलिए, सबसे पहली बात, एक बहुत ही शानदार बात जो आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर रखनी है. वो क्या बात है? दिस इज द थिंग्स, कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ा करते हैं. क्या कह रहा हूं? अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है. इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए. सबसे पहली बात यहां पे देखेंगे, 6 रूल्स टू विन इन लाइफ. सबसे पहली बात करेंगे हम लोग, क्या सबसे 6 रूल हैं जिनसे हम लोग जीतते हैं जीवन के अंदर. सबसे पहला देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, हैव अ विजन फॉर योरसेल्फ. अपने लिए एक विजन, एक आपके मन में एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहला. दूसरा, कंपेयर योरसेल्फ टू द ओल्ड यू. हमेशा दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना, खुद से कंपैरिजन करना है कि मैं पहले कैसा था और मैं आज कैसा हूं. दिस इज द कंपेयर योरसेल्फ टू द ओल्ड यू, पुराने कैसे थे। तीसरा, ग्रोथ इज आउटसाइड, ग्रोथ बाहर की तरफ है। कंफर्ट जोन को छोड़िए, कंफर्ट जोन को छोड़िए और साथ में क्या करिए बेटा, यहां पे तैयारी करिए। समझ में आ रहा है, कंफर्ट जोन में जो रहता है उसका काम इतना खतरनाक नहीं चलता, वो जीवन में इतना खतरनाक नहीं कर पाएगा। आगे सुनेंगे इस बात को, रीडिंग बुक्स इज एन एडवांटेज, बुक्स को पढ़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एंड आगे चलेंगे बेटा, सारे सब्जेक्ट चलेंगे, सभी लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे। पांचवा नंबर, स्टे हम्बल, हम्बल रहिए, ठीक है, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए अपना, दूसरों की तरफ हम्बल रहिए, काम रहिए, शांत रहिए अंदर से, ताकि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो वैसे ही परेशान रहोगे। लास्ट में, नेवर क्विट द गेम, कभी भी गेम को क्विट मत करिए। क्या कह रहा हूं मैं, कभी भी गेम को क्विट नहीं करिए। अभी आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अरे मैं तो समझता था बच्चे ही नहीं दिखते, बच्चे नहीं दिखते, क्या इतने से ही बच्चे पढ़ते? नहीं बाबू, तुम्हारे पूरा इंडिया का बच्चा आपके साथ क्लास के अंदर बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें क्लास के बीच में आप लोगों को बताता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में एक बार दिल विल सब आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर हम लोग चालू करते हैं। आज का एकदम गर्दा उठा देंगे क्लास के अंदर, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले सीमेड को पढ़ाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर दिल विल सब आ जाने चाहिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हमारे हो चुके हैं 5 मिनट और 800 बच्चे भी देख रहे हैं, 1000 पे पहुंच जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखेंगे बेटा, आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, देवेश सर PW नाम से आप सर्च करेंगे। इवन हर एक पेज पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का दिखाई देता रहेगा, तो आप लोग यहां से देवेश सर PW पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, यहां पे आपको टेलीग्राम चैनल दिखता रहेगा तो आप यहां से फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्या बोलेंगे सबसे पहला, दैट सीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सीमेंट क्या चीज है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। क्या चीज है सीमेंट? और कोई भी कंफ्यूजन होता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपके साथ हूं, मैं मदद करूंगा आपकी, ठीक है। चलिए क्या लिख रहा है, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट, एडमिक्सचर। देखो कंक्रीट जो होता है ना बेटा, वो आपका सीमेंट है, सैंड है, एडमिक्सचर है, पानी है, एग्रीगेट है, इन सभी का मिक्सचर होता है। तो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। आज इस वाले चैप्टर में हम लोग सीमेंट को पढ़ेंगे और लाइम को भी। सीमेंट और लाइम दोनों एक जैसे होते हैं। देखो जब तक PDF काम लेगी, PDF आपको PW ऐप के ऊपर मिलेगी, साथ में इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको PDF मिलेगी, तो आप यहां से भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं बेटा आप लोगों को, अब ध्यान से सुनेंगे, अब कोई फालतू बात नहीं होगी क्लास के अंदर, एकदम सटीक और सिस्टमैटिक बात करेंगे, जो काम की चीज है वही बात करेंगे। देखिएगा बेटा, सबसे पहले कंक्रीट एक मिक्सचर है सीमेंट का, सैंड का, वाटर का, एग्रीगेट का, एडमिक्सचर का। मतलब कि जो आपका सीमेंट है वो क्या है, सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है, एक बाइंडिंग मटेरियल है, एक बंधक पदार्थ है। क्या है बच्चे, सीमेंट जो है ना आपका, ये एक बाइंडिंग मटेरियल है, एक बंधक पदार्थ है। क्या चीज है, बंधक पदार्थ आपके पास में होता है, ठीक है। सैंड को हम लोग एज अ फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, मतलब कि कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको, महीन मिलावा। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग महीन मिलावे के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा फास्ट धीरे धीरे होता रहेगा, अभी सुनते चलिए, ठीक है। उसके बाद वाटर क्या है, वाटर आपका है तो सॉल्वेंट समझिए, एक मिक्सिंग मटेरियल है, आपस में मिक्स करने वाला एक मटेरियल है। उसके बाद में एग्रीगेट क्या है सर, एग्रीगेट को हम लोग कोर्स एग्रीगेट मतलब कि मोटा मिलावा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ओके। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग एडमिक्सचर का इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, कई बार हमें कंक्रीट के अंदर बढ़िया क्वालिटी चाहिए होती है, उसी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग एडमिक्सचर का यूज करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर और ऐसे मिलके आपका क्या बनता है बेटा, ऐसे तरीके से यहां पे आपका फाइनली क्या बनके तैयार होता है, आपका कंक्रीट बनके तैयार होता है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ओनली एंड ओनली सीमेंट चैप्टर को। किसको पढ़ने वाले हैं बेटा, ओनली एंड ओनली सीमेंट चैप्टर को हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सीमेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, साथ में लाइम चैप्टर को पढ़ेंगे। अच्छा सीमेंट और लाइम, ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बन गया। पहला क्वेश्चन सुनिए, सीमेंट और लाइम दोनों ही, क्या लिख रहा हूं, सीमेंट और लाइम दोनों ही क्या है बेटा आपके पास में, बाइंडिंग मटेरियल होते हैं। मतलब कि जब तक सीमेंट की खोज नहीं हुई थी ना बच्चे, तब तक हम लोग क्या करते थे, लाइम को इस्तेमाल लिया करते थे। देखा होगा पुराने किले, इमारतें जितनी भी सब लाइम की बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। समझिएगा ध्यान से क्या लिख रहा है, सब कुछ पढ़ाऊंगा एक एक करके। सीमेंट क्या है? सीमेंट एक बाइंडर है, सीमेंट एक बंधक पदार्थ है, ठीक है, और एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम में लिया जाता है। अच्छा, सीमेंट की एक बढ़िया चीज पूछी जाती है कि सीमेंट कैसा मटीरियल है, तो एडहेसिव और कोहेसिव मटीरियल। बाद में बताऊंगा क्या होता है एडहेसिव कोहेसिव 2 मिनट बाद, ठीक है। यहां सिंपली क्या लिखा हुआ है कि यदि देखो इस पॉइंट में समझिए क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि यदि सीमेंट को फाइन एग्रीगेट मतलब कि रेत, फाइन एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया बेटा? रेत। और यदि मैं बोलूं प्रोड्यूस मोर्टार फॉर मेसनरी, अगर तुमने क्या किया, अगर इसका मतलब ये हुआ बच्चे पॉइंट का कि यदि तुमने सीमेंट, सैंड और वाटर को मिला दिया तो क्या बनेगा? तो बनेगा बेटा मोर्टार। क्या बनेगा? मोर्टार बनेगा। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि यदि तुमने सीमेंट को कंस्ट्रक्शन में यूज किया, देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जगह पे यदि तुमने मान लो फाइन एग्रीगेट, अब तुमने क्या किया दूसरे वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि यदि तुमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को मिला दिया तो क्या बनेगा सर? तो आपका कंक्रीट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? तो आपका कंक्रीट बनके तैयार होगा। क्या बनेगा कमेंट बॉक्स में बताते रहे, ठीक है। बिल्कुल एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? बाइंडिंग मटेरियल की तरह जो है काम करता है। तो सबसे पहले ये समझिए। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है और जिसका इस्तेमाल जो क्या करता है कंस्ट्रक्शन में सेट होता है, हार्ड होता है, एडर मतलब चिपकता है एक दूसरे मटीरियल से और उनको बाइंड करके बांध के रखता है, ठीक है। समझ में आ गया। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि सीमेंट जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन में यूजुअली कैसा होता है, तो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन की उपस्थिति इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये स्पेशली किसके ऊपर आधार पर बेस्ड होता है? कई बार हम पूछते हैं ना कि सीमेंट कैसा प्रोडक्ट है, तो सीमेंट आपका कैल्शियम सिलिका बेस्ड प्रोडक्ट है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा कि सीधी भाषा में अगर लिखना चाहूं तो लिखूंगा सीमेंट इज सिलिका एंड कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सिलिका एंड कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट, मतलब हिंदी में बात करूं तो सीधी भाषा में ये लिख सकते हो कि जो आपका सीमेंट है वो सिलिका और साथ में लिखा हो ना कैल्शियम के आधार पर बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये बात एकदम क्लियर रखिए अपने माइंड में। जिसने पहले कभी बीएमसी नहीं पढ़ा ना उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो कोई पूछे तो ये बात बता देनी है, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं इस बात को कि यहाँ पे सर हम लोग जब सीमेंट को क्लासिफाई करते हैं तो कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहला पॉइंट, सीमेंट में यहां पे दिख रहा है आपको हाइड्रोलिक सीमेंट, एक आपको दिख रहा है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ऐसे सीमेंट जो पानी की उपस्थिति में हार्ड हो जाते हैं उन्हें हम लोग, या सेट हो जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट। जो पानी की उपस्थिति में हार्ड नहीं होते उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, जैसे कि पीओपी वगैरह हो गया आपके, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे आगे एक चीज लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर सीमेंट को दो तरीके से विभाजित किया गया है। पहला आपके पास नेचुरल सीमेंट और दूसरा है बेटा आपके पास में आर्टिफिशियल सीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। समझ में आ गई कहानी। चलो सबसे पहले बात करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल सीमेंट क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहली बात सर, नेचुरल सीमेंट को सर हम लोग क्या कहते हैं? रोमन सीमेंट भी कहते हैं। क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। नेचुरल सीमेंट को हम लोग रोमन सीमेंट भी कहते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की जो रॉक होती हैं जिनमें 20 से 40% मात्रा में क्ले, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर भी इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशिया इत्यादि हैव द प्रॉपर्टी टू मेक अ नेचुरल सीमेंट, मतलब कि कुछ स्पेशल टाइप की ऐसी रॉक होती हैं जिनके अंदर 20 से 40% क्ले, उसके बाद CaCO3, उसके बाद मैग्नीशिया, ये सभी पाए जाते हैं। तो इन सभी से उस चट्टान को पीस करके हम लोग क्या करते हैं, चट्टान से जो पत्थर मिला जिस पत्थर के अंदर 20 से 40% क्ले था, CaCO3 यानी कि चूने का पत्थर था, मैग्नीशिया था, इन सभी की उपस्थिति से हम लोग क्या करते हैं उस पत्थर को निकाल करके उसको बारीक पिसाई करके हम लोग सीमेंट प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग रोमन सीमेंट या नेचुरल सीमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे बना, ये सब बता दिया कि सर यदि मान लीजिए यदि 20 से 40% मात्रा में सिलिका मिल जाए और ये एक चट्टान के अंदर, उसके अलावा इसने कहा कि सर यदि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए, यदि कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए, इसके अलावा सर आपके पास में मैग्नीशिया हो, तो इसकी हम लोग बर्निंग और ग्राइंडिंग करें तो हमें नेचुरल सीमेंट मिलकर तैयार होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रोमन सीमेंट। क्या बोलेंगे, रोमन सीमेंट भी इसको हम लोग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्या लिखा हुआ है, इंडिया में ना तो इस सीमेंट का प्रोडक्शन होता है और ना ही इस सीमेंट को इस्तेमाल किया जाता, मतलब कि इंडिया में सिर्फ इसको पढ़ना है, एग्जाम में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। मतलब कि रोमन सीमेंट क्या है, सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर दो तरीके से बांटते हैं, पहला नेचुरल सीमेंट, दूसरा आर्टिफिशियल सीमेंट। आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल हम लोग बात करें नेचुरल सीमेंट के बारे में। नेचुरल सीमेंट क्या होता है सर, नेचुरल सीमेंट या रोमन सीमेंट इसको बोलते हैं, कुछ चट्टाने ऐसी होती है जिनमें 20 से 40% तक क्ले, इसके अलावा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशिया जब उपस्थित होते हैं, तो उसको हम लोग जब बर्निंग और ग्राइंडिंग करते हैं, ऐसी चट्टानों को पीसते हैं और उनको हम लोग गर्म करके पीसते हैं, तो फाइनली उससे हमें एक नेचुरल सीमेंट प्राप्त होता है। इंडिया में ना तो इस सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही इस सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब कि इसको पैदा किया जाता है। अब आगे सुनेंगे बात सर, स्ट्रेंथ जो होती है नेचुरल सीमेंट की, वो आर्टिफिशियल सीमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। क्या लिखा है बच्चे, इसको भी समझो। पेन जरा सुंदर सा ले लेते हैं, तुम्हारी पसंद का ले लेता हूं, चलो ये ले लेते हैं। तो देखो भाई साहब, यहां पे जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, नेचुरल सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो आर्टिफिशियल सीमेंट की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कैसी होती है, बहुत कम होती है। मैंने लगाया ना एरो, देखो 2-3 एरो और लगा दो, 2 एरो, तो आर्टिफिशियल सीमेंट के रिस्पेक्ट में कैसी होती है बच्चे, ये आपकी बहुत ही कम होती है। क्या कह रहा हूं, बहुत ही कम इसकी स्ट्रेंथ होती है। अब बात आई कि नहीं आई आपको समझ में, जल्दी से मुझे बता दें वाला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ जाते हैं सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, दैट इज द आर्टिफिशियल सीमेंट। हमारा सुंदर सा आर्टिफिशियल सीमेंट देखेंगे अब। तो देखिए बेटा, आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसा हम लोग नॉर्मली जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा यहाँ पे ओपीसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात करेंगे। अब कोई तुमसे पूछेगा नेचुरल सीमेंट क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, रोमन सीमेंट है, कहां से प्राप्त होता है, तो ऐसी चट्टाने जो 20 से 40% के लिए कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम उपस्थित होता है, उनको बर्निंग ग्राइंडिंग करके हमें यह प्राप्त होता है। इंडिया में ना तो इस सीमेंट का उत्पादन होता है और ना ही इंडिया में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सीमेंट की बात करेंगे तो देखो बेटा, आर्टिफिशियल सीमेंट में ये सबसे पहले 1913 में मैन्युफैक्चर हुआ था, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, ठीक है, देखो एक बार, इंडिया में आर्टिफिशियल सीमेंट सबसे पहले मैन्युफैक्चर हुआ था 1913 के अंदर। क्या कह रहा हूं मैं, इंडिया में सबसे पहला आर्टिफिशियल सीमेंट 1913 में। बेटा 1000 बच्चे हो जाने चाहिए, 1000 बच्चे हो जाने चाहिए, एकदम शाउट आउट मिलेगा, लव यू सभी मिलेंगे सारे के सारे। चलो एक बार क्या बोल रहा हूं, इंडिया में आर्टिफिशियल सीमेंट सबसे पहले 1913 में बना था, ठीक है। इससे पहले कब हुआ था उसके बारे में बाद में बात करूंगा। इंडिया की बात करें, फिर ग्लोबल बात करेंगे, सुनना एक बार बात को ध्यान से, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट देखें, इट इज जनरली मेड फ्रॉम 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट। ये स्पेशली 2 तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है सर, ये बना होता है कैल्सियस से और बना होता है सर आर्जिलेसियस से। मतलब कि कैल्सियस मटेरियल क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे मटीरियल, सुनना इस बात को ध्यान से, ऐसे मटीरियल जिनमें सिलिका मुख्य, ये या कैल्सियस की बात करें, ऐसे मटीरियल जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 मुख्य रूप से उपस्थित होता है। क्या कह रहा हूं, जिनमें CaCO3 मुख्य रूप से उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम लोग कहते हैं कैल्सियस मटेरियल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे मटेरियल जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मुख्य रूप से उपस्थित होता है, उसे या प्रीडोमिनेंट, हिंदी में बात कर ली, इंग्लिश में बात करूं तो द मटीरियल इन विच कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेट, उनको हम लोग कहते हैं कैल्सियस मटेरियल। या फिर सुनेंगे आर्जिलेसियस क्या होता है, तो आर्जिलेसियस में होता है ऐसे मटेरियल जिनमें कि कौन प्रीडोमिनेट करता है। आर्जिल का मतलब क्या होता है समझे, आर्जिल का मतलब होता है बेटा क्ले या एल्यूमिना। क्या होता है आर्जिल का मतलब, क्ले या एल्यूमिना। ऐसे मटीरियल जिनमें क्ले या एल्यूमिना, ऐसे मटेरियल जिनमें क्ले या एल्यूमिना प्रीडोमिनेट करते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, क्या करते हैं, क्ले या एल्यूमिना प्रीडोमिनेट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आर्जिलेसियस रॉक। तो देखें एक बार, कैल्सियस में के एग्जांपल्स के लाइमस्टोन है, चौक है, मार्ल है, मरीन शेल्स हैं, इसके अलावा आर्जिलेसियस के मटेरियल के क्ले है, शेल है, स्लेट है। मतलब कि मुख्य रूप से यही, सुनना इस बात को, ठीक है, मुख्य रूप से हाँ बेटा सेमेस्टर में भी लिख सकते हो, हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, देखना धीरे धीरे हर एक पॉइंट को स्टेप टू स्टेप, एकदम काम की बात लिखी हो। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सर आर्टिफिशियल सीमेंट में ओपीसी लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुने। इंडिया में आर्टिफिशियल सीमेंट सबसे पहले 1913 में बना, दो तरीके के, ध्यान से यहीं याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले 1913 में इंडिया के अंदर बना। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे बेटा, नोट्स आपको देखो ये रहा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आपको क्या बोला मैंने, दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के सीमेंट, आर्टिफिशियल सीमेंट आपका बना होता है। आर्टिफिशियल सीमेंट में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो मैंने बोला इंडिया में आर्टिफिशियल सीमेंट सबसे पहले 1913 में खोज हुई। दूसरा उसके बाद में सर जनरली ये दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, पहला कैल्सिरियस रॉक और मतलब कैल्सिरियस मटीरियल, दूसरा आपके पास में दैट इज द आर्जिलिशियस मटीरियल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो और मैंने बता दी कैल्सिरियस का मतलब जिनमें CaCO3 मुख्य रूप से उपस्थित होता है वो कैल्सिरियस, और जिनमें क्ले एल्यूमिना मुख्य रूप से उपस्थित होता है या प्रीडोमिनेट करता है उसे हम लोग आर्जिलिशियस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त चीज क्या लिखी हुई है सर, दिस इज द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो पोर्टलैंड नाम से आएगा। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, सुनना एक बार ध्यान से। क्या हुआ बेटा, इंग्लैंड के अंदर ना एक मैसन थे या फिर बोल लो एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जोसेफ एस्पडिन। क्या नाम था बेटा, जोसेफ एस्पडिन था। वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और रिसर्च कर रहे थे किसके ऊपर, लाइम से एक नया प्रोडक्ट बनाने पर। लाइम मतलब चूना तो बहुत पुराना है ना, तो चूने, किले, महल जो सब बने हो राजा महाराजाओं के टाइम पे, कहां से बने, ये सब बने हैं चूने से बने हुए हैं। तो चूने से एक नए प्रोडक्ट की खोज में कौन लगे हुए थे भाई साहब, जोसेफ एस्पडिन हमारे लगे हुए थे। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लैंड में एक चट्टान है जिसका नाम है पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड नाम की चट्टान को देख करके इन्होंने अपने सीमेंट का नाम रखा क्या, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और कब खोज करी इसकी, एग्जाम में कोई पूछ ले तो यहां पे ध्यान रखिएगा 1824 के अंदर खोज करी थी। कब करी बेटा, 1824 के अंदर खोज करी। ओके, तो जोसेफ एस्पडिन ने इन्वेंट किया था, उत्पादन किया, सबसे पहले इसका आविष्कार किया किसने, जोसेफ एस्पडिन ने 1824 के अंदर सीमेंट का। और इंडिया में सबसे पहले कब यूज होने लगा ये, 1913 के अंदर। इन्होंने कब खोज करी, 1824 में। आगे लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछ सकता है, जब तक सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, जब तक सीमेंट की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया करते थे। तो उस टाइम पर बेटा हम लोग इस्तेमाल किया करते थे लाइम का। तो क्या लिखा है, बिफोर सीमेंट, सीमेंट से पहले लाइम का इस्तेमाल हम लोग किया करते थे, किसमें, एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम लोग यूज किया करते थे। समझ में आ गई कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सीमेंट हैव एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा याद करने का बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीके से बताया। तो पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया कि जब तक सीमेंट की खोज नहीं हुई लाइम को हम लोग एज अ एक बाइंडिंग मटेरियल यूज किया करते थे। चलिए अब आगे देखेंगे एडहेसिव और कोहेसिव के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है एडहेसिव में, जैसे लिखा हुआ है एडहेसिव, ठीक है, एडहेसिव में डी का मतलब याद कर लो बस सीधा सीधा, डिफरेंट डिफरेंट। क्या याद कर लो, डी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट। और वहीं पर अगर मैं कोहेसिव की बात करता हूं तो कोहेसिव में एस से उल्टा हो जाएगा, कोहेसिव में क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। एक कोई भी याद कर लो, जैसे मैंने यहां पे, अब देखो कोहेसिव में डी नहीं होता, सिर्फ यहां पे डी होता है। तो इस डी का मतलब है, डी का मतलब बेटा डिफरेंट डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये समझ में आ गई कहानी। अब यहां पे एक बात दिमाग में फिट करो, एक बात बेटा दिमाग में फिट करो, डी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट के पास कुछ ऐसे जादुई ताकत है जिसके आधार पर, क्या कह रहा हूं, वो सेम सेम मॉलिक्यूल के साथ में भी बॉन्ड बनाएगा और अदर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि सीमेंट सीमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और साथ में सीमेंट आपका बजरी के साथ में, पानी के साथ में, एग्रीगेट के साथ में भी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे कि अब देखो पानी में पानी मिलाओगे कोहेजन, सॉरी पानी में पानी मिलाओगे कोहेजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि सेम सेम है। ठीक है, पानी में पानी मिला रहे हो, पानी में नींबू का रस मिलाओगे कौन सा बॉन्ड, एडहेशन बॉन्ड। पानी में चीनी मिलाओगे एडहेशन, पानी में नमक मिलाओगे एडहेशन। मतलब कि जब अलग अलग मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एडहेशन बॉन्ड बनता है, जब सेम सेम मॉलिक्यूल बनते हैं तो कोहेजन बनता है। क्लियर है सभी को, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की। सीमेंट की डेंसिटी के बारे में कोई पूछे तो 1440 kg/m³ होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। क्या होती है बेटा, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है 1404। और जैसी समझ में आ जाए कमेंट बॉक्स में यस एंड सीसी या क्रिस्टल क्लियर लिखते चलें, जो और नहीं हो रहा तो वो भी बताइए आप मुझे, ठीक है, ताकि मैं हर एक चीज को क्लियर कर सकूं। चलिए अब देखेंगे ध्यान से एक बार, हम लोगों ने क्या कहा कि सर सीमेंट की जो डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब होता है बेटा, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, ठीक है, केजी पर यूनिट क्यूब इसकी, केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ पे जैसे डेंसिटी बता दी इसकी, देखो डेंसिटी कितनी होती है तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। साथ में यदि इसका मास देखोगे, मतलब एक बैग जो होता है सीमेंट का, अगर एक बैग ऑफ सीमेंट का यदि तुमसे कोई पूछ ले कि सर एक बैग जो है सीमेंट का उसका वजन कितना होता है, क्या पूछ रहा हूं मैं इसका, कि उसका वजन कितना होता है बेटा। बहुत बढ़िया, 1000 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन ये सिविल के उसमें एक इतिहास बन जाएगा बहुत ही जल्दी। तो क्या मैंने यहां पे दैट इज द 1440 केजी पर मीटर क्यूब मास, मतलब एक बैग का वजन कितना बेटा 50, कितना हुआ 50 केजी। तो यदि यहां पे मैं देखना चाहूंगा इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, मास पर यूनिट मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है बेटा 50 और डेंसिटी कितनी है बेटा 1440, तो इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, वो आएगा 0.03475 मीटर क्यूब आपके पास में आ जाएगा। और यदि इसी चीज को, यदि बेटा इसी चीज को हम लोग लीटर में काउंट करना चाहें, लीटर में काउंट करना चाहेंगे तो लगभग 34.75 लीटर हो जाता है, जिसे हम लोग लगभग हम लोग इसको 35 लीटर लिख सकते हैं। बात आई है समझ में, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग 35 लीटर लिख सकते हैं। सारी कहानी समझा दी, दिमाग में फिट कर दी। कैसे सर, डेंसिटी होती है घनत्व, डेंसिटी का मतलब होता है बेटा घनत्व, डेंसिटी मतलब कि घनत्व, एम का मतलब होता है बेटा मास, एम का मतलब क्या होता है बच्चे, एम का मतलब होता है मास, और वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा आयतन, आयतन, मास का मतलब हो गया द्रव्यमान, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, मैंने क्या बताया आप लोगों को, डेंसिटी मतलब घनत्व जो होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, या फिर अगर डेफिनेशन बात करूं तो मास अपॉन या लिख सकते हो वॉल्यूम, या लिख सकते हो द्रव्यमान बटे आयतन। अब डेंसिटी कितनी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब है, ओके। उसके बाद में मास कितना है, एक बैग सीमेंट का वजन कितना होता है 50 केजी होता है। तो यदि यहाँ पे मैं वॉल्यूम निकालना चाहूंगा तो 50/1440 करूंगा, 0.03475 मीटर क्यूब आएगा। और यहां से आपके पास क्या कर सकते हो, हम लोग इसकी वैल्यू को लीटर में चेंज करेंगे तो 34.75 लीटर और लगभग इसको मैं 35 लीटर लिख सकता हूं। इसीलिए कहते हैं कि एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 35 लीटर आपके पास में होता है। समझ में आई कहानी। चलिए यहां पे देखेंगे अभी डेंसिटी कितनी है सर, 1440 केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी। देखो जो बताता जा रहा हूं बेटा वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले तो हम इसकी डेंसिटी देख रहे हैं, 1440 इसकी डेंसिटी होगी। उसके बाद में सर एक बैग का जो वजन है वो कितना हो गया 50 केजी, इसका एक बैग का वजन हो गया, ओके सर। उसके बाद में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हुई आगे बताऊंगा, ली चैटलियर फ्लास्क से हम लोग निकालते। देख रहे हो एक ही जगह पे कितने सारे क्वेश्चन बन गए। क्या कह रहा हूं मैं, अगर ये क्लास बेटा 5 घंटे चले तो दिक्कत है क्या तुमको, लोगे मेरे साथ 5 घंटे, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। चलो तो मैंने क्या बोला बेटा, यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 3.14 से 3.15 होती है। समझ में आ गई कहानी, आगे सुनेंगे। एक बार बात बता दूं आपको, एस्बेस्टोस की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लगभग इतनी होती है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या लिख रहा है इस जगह पे, मॉड वॉल्यूम ऑफ वन बैग लिख दिया मैंने 34.75, लिखो लगभग 8.5, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने इसको 7.5 की जगह थोड़ा आगे बढ़ रहा था तो 8.5 लिख दिया, ठीक है। तो 34.85 लीटर या ये आप लिख सकते हो उसको 35 लीटर, या वॉल्यूम में मैंने बता दिया मीटर क्यूब के अंदर 0.03785 लगभग इतना वैल्यू होती है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न इन्वेंटर। अच्छा साहब 1824 में तो किसने खोज करी, जोसेफ एस्पडिन ने करी। याद करा दूंगा यहीं की, क्या बोला मैंने, इंग्लैंड के मेसन थे जोसेफ एस्पडिन। 1824 में इंग्लैंड की एक चट्टान पोर्टलैंड को देखकर इन्होंने अपने सीमेंट का नाम रखा या प्रोडक्ट का नाम रखा, जिसका नाम था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इंडिया में ये 1913 के अंदर आया। सीमेंट एक ऐसे मटेरियल, जब तक सीमेंट की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग लाइम का इस्तेमाल किया करते थे। और उसके बाद ध्यान रखेंगे, सीमेंट एक बाइंडिंग मटीरियल है। सीमेंट की एडहेसिव और कोहेसिव दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती है। सीमेंट में एडहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है, सीमेंट के अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। देन उसके बाद में डेंसिटी की बात करेंगे, एडहेसिव कोहेसिव बता दिए, सेम मटेरियल कोहेसिव, डिफरेंट एडहेसिव। उसके बाद मतलब सीमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट पानी इन सब के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। डेंसिटी 1440, वेट ऑफ वन बैग 50 केजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 से 3.15, बैग वॉल्यूम ऑफ वन बैग ये हो जाएगा आपके पास लगभग 35 लीटर। और अगर इसमें मीटर क्यूब में निकालना हो तो मैंने आपको बता रखा है 0.03475 मीटर क्यूब। आप चाहो तो इस चीज को भी पढ़ सकते हो, यहां से भी इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास। अच्छा, इसका मॉडर्न इन्वेंटर किसको माना जाता है? मतलब तुम्हें ये बात किस किस को पता है भाई कि सीमेंट को हम लोग रोटरी किल्न से बनाते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बताओ कि हम लोग क्या करते हैं, रोटरी किल्न से इसको बनाते हैं। तो पहली बार सीमेंट को रोटरी किल्न से मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कौन था? तो वो था आपके पास में पी फ्रेडरिक जॉनसन। कौन था? पी फ्रेडरिक जॉनसन। मतलब कि पी फ्रेडरिक जॉनसन ने 1886 में, 1824 के बाद 1886 में पी फ्रेडरिक जॉनसन ने पहली बार क्या किया था, इसको रोटरी किल्न से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग किया। सीमेंट को बनाने का काम किसने किया? रोटरी किल्न से किया। और इसीलिए पी फ्रेडरिक जॉनसन को सीमेंट का मॉडर्न इन्वेंटर बोलते हैं, आधुनिक आविष्कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न इन्वेंटर, आधुनिक आविष्कारक बोलते हैं। किसको? पी फ्रेडरिक जॉनसन को। समझ में आ गया? देख रहे हो एक ही स्क्रीन में कितनी सारी बातें यहां पे लिखी हुई है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है सीमेंट का कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग जनरली दो कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ना, ये तो हो गया आपका, ये तो वापस लिख दिया गया यहाँ पे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा विचार मत करिए। ओके, ये वापस रिपीट हो गई ये लाइन। चलिए, तो ये समझ में आ गया सीमेंट का मॉडर्न इन्वेंटर किसे माना जाता है बेटा, पी फ्रेडरिक जॉनसन को हम लोग मान के चलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले रोटरी किल्न का इस्तेमाल करके क्या बनाया था? सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सर, ग्रेड ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट। अब हम लोग जितनी भी बातें करेंगे वो सबके सब आर्टिफिशियल सीमेंट की ही बात करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोग जितनी भी बातें करेंगे बेटा वो सबके सब आपकी आर्टिफिशियल सीमेंट की ही बातें करेंगे। ओके चलिए, अब ये जाना चाहिए 1000 जाना चाहिए, जल्दी से चलो। तो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ 33 ग्रेड। सबसे पहले जो ग्रेड है वो क्या लिखी हुई यहाँ पे, दिस इज 33 ग्रेड। उसके बाद लिखी है 43, फिर 53। 3 ग्रेड आपके पास में यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले देखेंगे 33 ग्रेड, 43, 53, ये क्या है? सीमेंट की एक बेसिक ग्रेड है जो कि मार्केट में चलती है। अब देखो आजकल मैं आपको लिख देता हूं, आजकल आईएस कोड 269 इज used for following three grades। मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दी, आजकल इंडिया में इन तीनों के लिए 33, 43, 53 तीनों ही सीमेंट की ग्रेड के लिए एक आईएस कोड का यूज किया जाता है। और जिस आईएस कोड का नंबर है आईएस कोड 269, इसी कोड से हम लोग तीनों की तीनों जितने भी आपके पास में ये आपके पास ग्रेड्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। किससे? आईएस कोड 269 में हम लोग पढ़ते हैं 33, 43, 53 के बारे में। फिर भी अगर कोई तुमसे पुराना आईएस कोड पूछ ले, ये दे ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या रखोगे वो ही बता देता हूं। देखो 33 के लिए आपको 269 1989 का इस्तेमाल करते हैं फॉर 33 ग्रेड। 43 को पढ़ने के लिए 8112 1989 का इस्तेमाल करते हैं। और 53 के लिए 12269 1987 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? 1987 का इस्तेमाल करते हैं। आगे सुनेंगे सर। अब देखो 33 का क्या मतलब है, 43 का, 53 का, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 33 का मतलब है क्या किया, सबसे पहले 70.6 इंटू, सुनना इस बात को, आगे और चीजें आएंगी। 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 का हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। उस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं 28 दिन की क्योरिंग के लिए। अब क्योरिंग बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, मतलब कि पानी के अंदर डुबो करके रखते हैं उसको 28 दिन तक के लिए, ठीक है। और 28 दिन तक यूज करने के बाद, पानी में डुबो करके रखने के बाद हम उसको जब बाहर निकालते हैं, उसको वाइप आउट करते हैं, पोंछते हैं। उसके बाद जब उसको हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर रखते हैं, तो यदि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन की क्योरिंग पर 33 न्यूटन पर mm² आती है, तो उस ग्रेड को हम लोग आईएस, मतलब उस ग्रेड को हम लोग 33 सीमेंट ग्रेड बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर वही क्यूब को 28 दिन की क्योरिंग के बाद सीटीएम मशीन में रखने के बाद, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखने के बाद, यदि यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे आपके पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आती है, तो उसे हम लोग कहते हैं 43 सीमेंट ग्रेड। सेम ऐसे ही अगर उसकी वैल्यू, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 28 दिन की क्योरिंग के बाद रखने के बाद और उसको फाइनली जब हम लोग देखते हैं, तो ये वैल्यू आप लोगों की कितनी आती है, दैट इज 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपकी आती है। ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखो सबसे पहले 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड तीनों समझ में आ गया। अब यूजेस की बात करेंगे। देखो इंडिया में सबसे ज्यादा, मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा यूज आने वाली, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ग्रेड, यूज होने वाली ग्रेड, ठीक है, होने वाली ग्रेड कौन सी है, वो है आपके पास में 43 ग्रेड। कौन सी ग्रेड है बेटा? 43 ग्रेड इंडिया में सबसे ज्यादा। समझना इस बात को। एक कह रहा बच्चा सर अगर 33 या 43 के बीच की वैल्यू आई तो क्या लेंगे? बेटा मैं हूं ना टेंशन के लिए, आगे पढ़ना देखना अभी क्या होगा, ठीक है। तो पानी की तरह, क्यूरिंग का मतलब है पानी की तरह। बहुत अच्छा लिखा एक बच्चे ने कि यदि क्यूब साइज हम लोग 70.6 बाई 70.6 बाई 70.6 ले रहे हैं और उसके बाद में हम लोग यदि उस सीमेंट के क्यूब को पानी में 28 दिन के लिए डुबो के रख रहे हैं, डुबो के बाहर निकालने के बाद सीटीएम मशीन में रखा, लोड लगाया, लोड लगाने के बाद में फाइनली आपके पास स्ट्रेंथ 33 आ रही तो 33 ग्रेड, अगर 43 एमपी आ रही है तो 43 ग्रेड, यदि 53 एमपी आ रही तो आपके पास 53 ग्रेड। अलग अलग आईएस कोड भी बता दिए, आजकल तीनों को कौन से आईएस कोड से पढ़ रहे हैं वो बता दिए। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला ग्रेड कौन सी आपकी 43 ग्रेड। आगे सुनेंगे यहां पे इसका यूज। देखो 33 ग्रेड का इस्तेमाल कहां होता है? जनरल कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि स्मॉल आरसीसी वर्क में इसका इस्तेमाल, जितने भी आजकल आरसीसी के काम होते हैं सबके अंदर आजकल 43 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। 53 ग्रेड का इस्तेमाल हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर और मास कॉन्क्रीट के अंदर किया जाए। मास कॉन्क्रीटिंग मतलब जैसे डैम हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, रिजर्वायर हो गया, इन सभी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। बिल्कुल एनएचपीसी में वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक बच्चे ने जैसा अभी बोला, देखो आईएस कोड 10262 के अनुसार हर एक जगह पे आईएस कोड भी बता रखा है आपको, ठीक है। चलिए सिर्फ ओपीसी समझ नहीं आया समझ में, मतलब ओपीसी मतलब बेटा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसी की ग्रेड चल रही है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर चल रहा है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एक आर्टिफिशियल सीमेंट है और वो आर्टिफिशियल सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, उसको कैसे बनाया जाएगा, उसको किससे बनाया जाएगा, उसके क्या टेस्ट होंगे, टेस्ट फील्ड के अंदर क्या होंगे, लेबोरेटरी में क्या होंगे, इनके सभी के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए बेटा आईएस कोड 10262, इसका इस्तेमाल हम लोग डिजाइन मिक्स के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? कई बार एग्जाम में पूछ ले कोई तो डिजाइन मिक्स के लिए भी हम लोग इस आईएस कोड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? आईएस कोड 10262 का इस्तेमाल हम लोग डिजाइन मिक्स के लिए भी करते हैं। और आईएस कोड 10262 में ओपीसी ग्रेड को ए से एफ तक क्लासिफाई किया गया है 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार। 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि तुमने जो क्यूब बनाया उसको तुमने 28 दिन की क्योरिंग लिए पहले पानी में रखा है, उस पर 28 दिन की तराई की गई है, उसके बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली गई है। तो समझ में आया? इस आईएस कोड के अनुसार ओपीसी ग्रेड को हमने ए से एफ तक हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया गया 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं। बेटा क्यूब का साइज आगे लिखा हुआ, टेंशन मतलब हर चीज भरने की जरूरत नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक क्लियर सी चीजों को समझो, ठीक है। चलो हाँ देखो 33, 43, 53 तीनों के लिए आजकल आईएस कोड 269 2015 का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ 2015 का आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो बात करें, अगर यहाँ पे 33 का, 43 का, 53 का अगर इंडिविजुअली आईएस कोड भी पूछ लिया जाए जो पहले यूज किया करते थे वो भी मैंने लिख दिए ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लोग बिल्कुल भी वहां पे परेशान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ अगर ए ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो इसकी स्ट्रेंथ ए ग्रेड का जो सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ 32.5 से 37.5। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ बी, जो आपके पास कैटेगरी बी है उसमें 37.5 से 42.5, उसके बाद सी में 42.5 से 47.5। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार एसएससी जेई में पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बेटा एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में क्या ही कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बात करें। हाँ बेटा मैंने 30 डेज कब बोला? मैंने 28 डेज ही बोला ना बेटा, मतलब 28 दिन की क्योरिंग के बाद में हम जो स्ट्रेंथ निकालते हैं उसको 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए 28 दिन की क्यों रखते हैं बेटा? क्योरिंग मतलब ये माना जाता है कि 28 दिन तक ना किसी भी एक क्यूब के अंदर मैक्सिमम श्रिंकेज या क्रैक्स आ सकते हैं। सुनना इस बात को ध्यान से, क्या करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि 28 दिन तक हम लोग ये मानते हैं कि भाई 28 दिन में उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट स्ट्रेंथ आ जाती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 28 दिन तक उसकी क्योरिंग करेंगे जिससे कि उसमें एक्सेसिव मॉइस्चर का इवेपोरेशन नहीं होगा और उसमें मैक्सिमम जो क्रैक्स आते हैं वो 28 दिन तक ही आते हैं, इसीलिए तब तक हम उसको गीला करके रखते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है, ठीक है। चलिए डी की देखेंगे तो 47.5 से 52.5, उसके बाद में ई की देखेंगे तो 52.5 से 57.5 और एफ की देखेंगे तो 57.5 से 62.5। मतलब कि यदि ध्यान से देखोगे तो 5-5 का डिफरेंस है, कोई बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है। देखो 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, 5, 5, 5। ठीक है, कैसे याद रखोगे बेटा? ये 5 के डिफरेंस से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, किससे याद हो जाएगा बेटा? 5 के डिफरेंस से बड़े आसानी से याद हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर सीमेंट को याद करने के ट्रिक क्या है? ठीक है, क्या है बेटा? सीमेंट को याद करने के ट्रिक क्या है? एसी सीमेंट को याद करने के ट्रिक क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में। देखें एक बार, लॉस में है एम्स, ये आपकी ट्रिक है याद करने की, भूलेगा नहीं कोई भी। अब मैंने कैसे बता रखी है पता है? ये बता रखी है मैंने, ये बता रखी है परसेंटेज ऑफ वेट, परसेंटेज ऑफ वेटेज के आधार पर हमने इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको हमने डिक्रीजिंग, मतलब इस तरीके से चल रहा है, सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, ये सबसे हाईएस्ट, फिर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया, दिस इज द ट्रिक जिससे आप याद रखेंगे लॉस में है एम्स। इससे आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे, किसके, कि सीमेंट किस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो क्या लगा हुआ बेटा? एल का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? एल का मतलब बेटा लाइम। ठीक है, एस का मतलब क्या है बेटा? इस जगह पे एस का मतलब है सिलिका। ए का मतलब क्या है? इस जगह पे ए का मतलब है बेटा एल्यूमिना। उसके बाद क्या, आई का मतलब है सर आपके पास में आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के बाद एम का मतलब क्या है बेटा? दिस इज द मैग्नीशिया। उसके बाद एस का मतलब क्या है सर? एस का मतलब है सर सल्फर। तो बात ध्यान रखेंगे, क्या बोला मैंने सर? एल का मतलब लाइम, एस का मतलब सिलिका, ए का मतलब एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर। हो गया याद सब कुछ। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पे हमने एक चीज और पढ़ी है, इसका नाम है जिप्सम। हमने पढ़ा है सर एल्कलीज। बेटा जिप्सम पहली बात तो इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एज अ रिटार्डर हम उसको बाद में फाइनल ग्राइंडिंग के टाइम पर मिलाते हैं। और एल्कलीज हमारा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, एल्कलीज हमारे यहाँ अशुद्धि का काम करता है, तो वो एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। आगे उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। याद करने का ट्रिक सभी को याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट, आपके पास इन इंग्रेडिएंट का एक एवरेज इंग्रेडिएंट वैल्यू पूछा था या फिर कंट्रीब्यूशन पूछा था, कितना कितना परसेंटेज होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सीमेंट में लाइम की बात करूंगा तो 62 से 65, सिलिका की बात करूंगा तो 70 से 25। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? ये दोनों आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिना भी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिना में पूछा जाता है कितनी परसेंटेज है, तो एल्यूमिना 3 से 8, आयरन ऑक्साइड 0.5, सॉरी ये 5 है आपका, 0.5 नहीं है, ये क्या है आपका, दिस इज 5, तो ये क्या होगा आपके पास में 5 से आपका 6 हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो गया, मैग्नीशिया की बात करूंगा तो 1 से 4% आपका मैग्नीशिया हो गया। सल्फर की बात करेंगे तो 1 से 3%। यहाँ पे देखो एल्कलीज लिखी हुई है, एल्कलीज होता है 0.1 से 1%, और जिप्सम लास्ट में हम लोग 3 से 4% मात्रा में मिलाते हैं। समझ में आ गई कहानी? एकदम सिंपल है। ठीक है नसीम, याद रख लो सर उसमें सब है। हाँ बेटा कैसे भी याद रख लो, सलीम नाम याद रख लो, अच्छा सलीम से याद रख लो। वैसे तो सलीम को मैं ब्रिक के लिए बताता हूँ, लेकिन यहाँ भी आप याद रख सकते हो, सलीम का सलीम से बना देते हैं, लसीम बना देते हैं कई लोग, लेकिन बहुत सिंपल है। लॉस में है एम्स, इससे याद रख लो। जो तुम्हें अच्छा लगे, मैंने अपना ट्रिक बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट बता दिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना 3 इंपॉर्टेंट है। लाइम का मतलब हो गया 62 से 65, ये 17 से, उसके बाद सिलिका 17 से 25, एल्यूमिना 3 से 8%। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में रहेगी, बिल्कुल रहेगी, आप इसको क्लास के बाद भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख रखी है, जैसे कि ये आपका किसके लिए जिम्मेदार होता है, लाइम आपका, उसके बाद सिलिका आपका किसके लिए जिम्मेदार है, एल्यूमिना किसके लिए जिम्मेदार है, आयरन ऑक्साइड किसके लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद मैग्नीशिया किसके लिए जिम्मेदार है, और लास्ट में लिखा हुआ सल्फर वगैरह, इन सभी के लिए लिख रखा है। लेकिन जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें वैसे याद हो जाएंगी, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो मेन दो कंपोनेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि मेन कंपोनेंट कौन से, तो लाइम और सिलिका मेन दो कंपोनेंट है जिनसे आपका सीमेंट बन के तैयार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक चीज मैंने लिखी है आप लोगों के लिए वापस से, यहाँ लिखा है द मूवमेंट You give up, ऐसा मूवमेंट जिस पर आप छोड़ देते हो, चीजों को गिव अप कर देते हो बेटा, इज द मोमेंट यू लेट द समवन एल्स टू विन। मतलब आप जब कभी भी मौका छोड़ देते हो, जब कभी भी आप गिव अप कर देते हो, तो आप दूसरे को जीतने का मौका दे देते हो। तो इसलिए हारना नहीं है जीवन में, कभी भी लड़ते रहना है, अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक लड़ते रहना है। तो क्या बोला मैंने कि द मोमेंट यू गिव अप, एक ऐसा समय जब आप गिव अप करते हो, वही वो मोमेंट है जब आप दूसरे को जीतने देते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं सर, सबसे पहले बात करेंगे लाइम के बारे में। लाइम में से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसे इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि लाइम का जो परसेंटेज होता है कितना होता है सर, तो ये आपका होता है 62 से 65, कितना होता है 62 से 65 परसेंटेज होता है। तो मेन देखेंगे मेन पॉइंट क्या है। पहला, स्ट्रेंथ और साउंडनेस को बढ़ाता है। क्या करता है ये, सीमेंट के अंदर सीमेंट की स्ट्रेंथ, मेन किससे बन रहा है आपका, मेन बन रहा है आपका सीमेंट से। सीमेंट किससे बन रहा है, लाइम से तो बन रहा है आपका। तो इसमें ध्यान रखेंगे क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, दैट इज 62 से 65 परसेंटेज इट इम्पायर द स्ट्रेंथ एंड साउंड। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ और साउंडनेस को इंक्रीज करता है। ठीक है बेटा, और साथ में मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रेंथ और साउंडनेस को इंक्रीज करता है। अब देखो साउंडनेस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द साउंडनेस। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट भी किया जाता है लाइम के लिए। पहली बात साउंडनेस क्या चीज है, तो देखना सुनना एक बार ध्यान से क्या लिखा हुआ है इस जगह पे। सुनना क्या लिखा है बेटा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड गलत लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है बेटा, आयरन ऑक्साइड सही लिखा हुआ है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले इट इम्पायर द स्ट्रेंथ एंड साउंड, स्ट्रेंथ और साउंडनेस को इम्पायर करता है। स्ट्रेंथ को तो ठीक है, साउंडनेस क्या होता है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। साउंडनेस क्या होता है सर, ये आपके पास सीमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि सीमेंट क्या करता है, सीमेंट अपने वॉल्यूम में चेंज होने का विरोध करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, सीमेंट, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। सीमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, सीमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सीमेंट अपने अपने वॉल्यूम में परिवर्तन का, वॉल्यूम में चेंज होने का विरोध करता है, उसे हम लोग कहते हैं साउंडनेस, या फिर इसको बोलते हैं निर्दोषता। क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं निर्दोषता। क्या बोलते हैं बेटा, निर्दोषता बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने कि सीमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सीमेंट अपने वॉल्यूम में चेंज होने का विरोध करता है, उसे हम लोग कहते हैं साउंडनेस। क्या कहते हैं बेटा, साउंडनेस कहते हैं। आगे सुनेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यदि आपने लाइम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, साउंडनेस टेस्ट को हम लोग लाइम के लिए भी परफॉर्म करते हैं, फ्री लाइम के लिए परफॉर्म करते हैं। किससे करते हैं, ली चैटलियर ऑपरेटर से। इसके बारे में आगे बात करूंगा। ठीक है चलिए, आगे लिखा हुआ है, यदि आपने सीमेंट में लाइम को ज्यादा मात्रा में ला दिया तो सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाता है। अनसाउंड का मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंशन का विरोध नहीं करता। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ सर, ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो एक्सपेंशन का विरोध नहीं करता, इसका मतलब जो पहले साउंडनेस करा था वो नहीं करेगा। ओके, तो सीधी भाषा में ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या लिखा मैंने सर, मैंने लिखा कि ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस को बढ़ाता है, मतलब मजबूत बनाता है सीमेंट को, साथ के साथ उस सीमेंट को अपने वॉल्यूम में चेंज होने का या वॉल्यूम में वृद्धि होने का विरोध भी करता है। लेकिन साथ में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, यदि तुमने सीमेंट में लाइम को ज्यादा मात्रा में ला दिया बेटा तो वहां पर आपका सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड का मतलब जैसे गुड बैड वाली कंडीशन है, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, तो इसका मतलब गुड मतलब अच्छा काम कर रहा है, बुरा मतलब बुरा काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये तो विरोध करेगा किसका, अपने वॉल्यूम में परिवर्तन का, लेकिन ज्यादा मात्रा में ला दिया तो अनसाउंड हो जाएगा, मतलब कि एक्सपेंशन का विरोध नहीं करेगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, फैलना। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा फैलना या फैलाव। तो फैलना या फैलाव का सीधा मतलब यह होता है कि ये वॉल्यूम के परिवर्तन का विरोध नहीं करेगा। ठीक है, अब ये उल्टा काम करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कम मात्रा में। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको सभी के लिए बता रहा हूं, कम मात्रा में। तो मैंने क्या बोला देखो, एक्सेस का मतलब होता है अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में मिलाने पर क्या होगा वो बता दिया। ठीक है, और कम मात्रा में मिलाने पर क्या होगा वो बता दिया। ठीक है, ये कम मात्रा में, इन डेफिशिएंसी का मतलब कम मात्रा में। कम मात्रा में स्ट्रेंथ को कम कर देगा, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो भाई साहब जितनी बातें बताइए कमेंट बॉक्स में बताओ, एकदम सटीक समझ में आ रही है, सीधी समझ में आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते कि नहीं बनते कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सिलिका के बारे में। सिलिका क्या होता है सर, SiO2। हम लोग सिलिका की बात करेंगे। देखिए सिलिका क्या लिख रहा है सर, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज कितनी होती है, 17 से 25% आपके पास वैल्यू होती है, 17 से 25। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इम्पायर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, कि ये सीमेंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सीमेंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है बेटा, यहां पे आपका सिलिका कर रहा है। ओके चलिए, अब आगे लिखा हुआ है इट इम्पायर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। दूसरा एक्सेस, मतलब अब बार बार नहीं लिखूंगा, अधिक मात्रा में स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो बढ़ तो जाती है, लेकिन साथ के साथ प्रोलॉन्ग मतलब होता है सेटिंग टाइम, मतलब कि देर में सूखेगा सीमेंट, देर में देर में सीमेंट सूखेगा। ठीक है, देर में सीमेंट सूखेगा। इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में ये बात हो गई कि देखो यदि तुमने प्रॉपर मात्रा में मिला रखा है तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में मिला दिया तो सीमेंट क्या करेगा, सीमेंट स्ट्रेंथ तो प्राप्त कर लेगा लेकिन साथ के साथ सेटिंग टाइम भी उसका लंबा चला जाएगा। ओके, आगे लिखा हुआ है सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ C2S एंड C3S। आगे बात करूंगा धीरे धीरे। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके C2S और C3S दोनों सबसे मेन कंपोनेंट हैं किसके, सीमेंट के। सीमेंट के जो मेन कंपोनेंट है वो है C2S और C3S। मतलब कि C2S का मतलब बेटा डाई कैल्शियम सिलिकेट, क्या है बेटा ये, आगे भी बात करूंगा इसके बारे में, दिस इज द डाई कैल्शियम सिलिकेट। और दूसरा वाला कौन सा है बेटा, दिस इज द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या है आपके पास, दिस इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम सिलिकेट। ओके, अब इस बात को एक बात और ध्यान रखो, यहीं की बता देता हूं, बाद में तो दोबारा बताऊंगा। क्या बता रहा हूं सर, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना, ये आपका जिम्मेदार किसके लिए होता है, ये आपका होता है लेटरल स्ट्रेंथ के लिए या फाइनल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल दो। सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए अगर कोई पूछे कौन जिम्मेदार है तो आपका C2S जिम्मेदार है। अगर कोई पूछे कि इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कह रहा हूं, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बताना वहां पे कौन जिम्मेदार है बेटा, C3S जिम्मेदार है। दिमाग में फिट कर लो, यहीं कहीं भूलना नहीं है 1% भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो सिलिका, मैंने बोला कि सिलिका C2S और C3S को प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और मैंने क्या बोला, विच आर द मेन कंपोनेंट सीमेंट, ये सीमेंट के बेटा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, क्या बोलो मैं, ये सीमेंट के मेन कंपोनेंट हैं। तो मेरे सिलिका भी दिमाग में फिट हो गया। सिलिका क्या करता है, ज्यादा मात्रा में लाने पे क्या होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी लेकिन प्रोलॉन्गेशन ऑफ टाइम भी हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि सिलिका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है C2S और C3S के प्रोडक्शन के लिए, C2S और C3S के प्रोडक्शन के लिए, जो कि मेन कंपोनेंट है सीमेंट के। बता भी दिया, C2S मतलब डाइकैल्शियम सिलिकेट, C3S मतलब ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। C2S फाइनल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार। C3S किसके लिए जिम्मेदार बेटा, इनिशियल स्ट्रेंथ। बेटा ये फालतू बात नहीं, क्लास कब होगी, नया बैच कब चालू होगा, फिलहाल अभी क्लास में हूं, फोकस करने दो और जो बोलता जा रहा हूं बताते हुए जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा कि दोनों सर बॉग कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, बॉग कंपाउंड। आगे लिखेंगे डेफिशिएंसी, कम मात्रा में मिलाने पर स्ट्रेंथ आपकी कमजोर हो जाएगी सीमेंट की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एल्यूमिना। एल्यूमिना में से एक क्वेश्चन जो कह रहा हूं दिमाग में छाप लो, ये क्वेश्चन बेटा कितनी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर और अभी भी कह रहा हूं, अभी भी जाने कितनी बार आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्या बोला मैंने, एल्यूमिना जो होता है सीमेंट की क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब कि सीमेंट को जल्दी से सुखा के हार्ड करके स्ट्रेंथ देने के काम में लिया जाता है। थोड़ा हिंदी यूज करो बेटा, हिंदी तो यूज कर रहा हूं कितनी बार, कहां पे, कहां हिंदी यूज नहीं कर रहा हूं देखना एक बार, कहां हिंदी यूज नहीं कर रहा हूं बेटा, जहां जहां पे आवश्यकता है वहां हिंदी यूज कर रहा हूं, कहां हिंदी यूज नहीं कर रहा। थोड़ा धैर्यपूर्वक सुना है बेटा बात को। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के क्विक सेटिंग को इंप्रूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट को जल्दी से सुखाने का काम करता है। ठीक है, चलिए रैपिड में और क्विक में अंतर बताऊंगा बाद में। क्विक का मतलब होता है जल्दी से सूख जाना और रैपिड का मतलब होता है जल्दी से स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेना। समझ में आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि यहाँ पे क्या लिखा हो, ये क्या करता है एल्यूमिना, ये साथ के साथ क्लिंकर के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। अब क्लिंकर क्या चीज है, टेम्परेचर क्या होता है, जब हम लोग रोटरी किल्न के अंदर, रोटरी भट्टी के अंदर सीमेंट को बना रहे होते हैं तो उस टाइम पर सीमेंट की लगभग 3 mm से लेकर के 15 या 20 mm तक की बॉल्स बन जाती हैं, राउंड बॉल्स बन जाती हैं और उन्हीं को हम लोग क्लिंकर कहते हैं। तो क्लिंकर के टेम्परेचर को रिड्यूस करने का जो काम है वो लगभग किसका होता है बेटा, लगभग 3 mm से आपका 15 से 20 mm तक जा सकती है। कई जगह पे अलग अलग साइज लिखा हुआ है लेकिन पर्टिकुलर कोई साइज नहीं है, लगभग मान के चलो तुम तो 5 से 15 mm मान लो। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है इन एक्सेस सीमेंट बिकम वीक, यदि ज्यादा मात्रा में मिला दिया तो सीमेंट आपका कमजोर बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड जैसे बताया कि आयरन ऑक्साइड कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है, मतलब कि कलर उपलब्ध कराएगा आपके सीमेंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इम्पार्ट द स्ट्रेंथ, कलर और हार्डनेस, तीनों चीजें लिखते हो, स्ट्रेंथ, कलर और हार्डनेस तीनों प्रोवाइड कराने का काम किसका है, आयरन ऑक्साइड का। इट गिव द रेडिश ब्राउन कलर टू द सीमेंट, कई जगह पे ग्रेफाइट ग्रे या कई जगह पे ग्रीनिश ग्रे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा होता है बेटा, ग्रीनिश ग्रे। तो एग्जाम में अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं, ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में आईएस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ग्रीनिश ग्रे कलर लिखा हुआ है सीमेंट का। ठीक है, लेकिन जनरली देखेंगे तो रेडिश ब्राउन भी कई जगह पे लिखा हुआ है कि रेडिश ब्राउन कलर देता है। इसके अलावा ग्रेफाइट ग्रे लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं ग्रीनिश ग्रे, लेकिन ग्रीनिश ग्रे के फेवर में मैं सबसे ज्यादा रहूंगा। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ है आपके पास इन एक्सेस, ज्यादा मात्रा में मिलाने पर डिफिकल्टी क्रिएट इन बाइंडिंग मोर फ्यूल कंजप्शन, मतलब कि अगर मान लो तुमने ज्यादा मात्रा मिला दिया आयरन ऑक्साइड, तो ज्यादा मात्रा मिलाने से क्या होगा, सीमेंट जो आपस में बंधा हुआ है सारे पार्टिकल आपके, वो अच्छे से बंधते नहीं है, वो आपस में क्या है बॉन्ड नहीं बनाते बढ़िया, और जब ये ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं बनाते तो क्या करते हैं फ्यूल कंजप्शन वहां पे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और वह टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, देवेश सर PW नाम से सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ढेर सारी वीडियोस, ढेर सारे कंटेंट, आपको बहुत सारे डाउट, सारी चीजें अपडेट में करता रहता हूं। चलिए, सबसे पहले क्या बोला मैंने कि ज्यादा मात्रा मिलाने पर यह क्या करेगा, जो आपका पूरा का पूरा सीमेंट है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, सिलिका है, लाइम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इन सभी के मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जब मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहां पे डेफिनेटली ये बात है कि फ्यूल का कंजप्शन, मतलब कि फ्यूल कंजप्शन का मतलब है ईंधन की खपत। क्या कह रहा हूं मैं, फ्यूल कंजप्शन का मतलब है ईंधन की खपत। कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी, ज्यादा पैसा लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ जाएगी। आगे लिखा हुआ है कम मात्रा में मिलाने पर हार्डनेस ऑफ द क्लिंकर डिक्रीजेस, क्लिंकर जो होते हैं ना उनके अंदर जो मजबूती होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। चलिए कंक्रीट में क्या लिखा है, कंटेंट में इंप्रूवमेंट है सर, नोट्स में ये सब नहीं है बेटा, अब नई चीजें आएंगी ना, हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, हमेशा आपको भी तो मिला, आप बैठे हो तो आपको भी नया मिल रहा है ना, आपको भी नहीं लगना चाहिए ना कि यार ये मैंने क्लास के अंदर पढ़ा था, पेड क्लास में यही सब यहाँ पे मिला है, बेटा नया कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया में देखें हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या करता है सर, ये आपका साउंडनेस, देखो दो चीज क्लियर करूंगा लास्ट में जाके, ये भी क्या कर रहा है साउंडनेस को बढ़ा रहा है। अब साउंडनेस अभी बताया था, साउंडनेस क्या होता है, सीमेंट के वॉल्यूम में चेंज होने का विरोधी क्या कहलाता है, सीमेंट के वॉल्यूम में चेंज होने का विरोधी क्या है, आपका साउंडनेस है, ये भी साउंडनेस को बढ़ाता है, ये येलो टिंट प्रोवाइड कराता है, मतलब येलो कलर के धब्बे धब्बे से प्रोवाइड कराता है। तुम कहोगे सर येलो कलर के धब्बे तो होते नहीं है सीमेंट के अंदर, तुमने कभी पेंट की दुकान पे देखा हो ना, तो उसमें एक बकेट रख देते हैं और उसके नीचे आजकल मशीन आ गई है, और मशीन में आप एक सिस्टम कोड डाल देते हो कि ये वाला कलर बनाना है, तो उसमें रेड भी गिरता है, येलो भी गिरता है, व्हाइट भी गिरता है, सारे कलर गिरते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के वो मान लो ग्रीन बन गया, कोई अलग कलर बन गया, तो उसमें वो येलो कलर तो गायब हो गया। इस तरीके से यहाँ पे जो कलर होता है ना, समझना इस बात का, ये जो कलर होता है ये सिर्फ टिंट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि मदद करते हैं उस सीमेंट के प्रॉपर कलर आने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ज्यादा मात्रा मिला दोगे तो सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज की कमी हो जाए ज्यादा मात्रा मिला दी तुमने अनसाउंड हो जाएगा, मतलब अब ये क्या करेगा, यहाँ पे विरोध नहीं करेगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यूट्यूब पे पूरा होगा, बेटा इस बार क्योंकि पूरा टाइम दिया गया है 9 से 10 दिन BMC पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, विद क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ समझ में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हेल्प इन द केमिकल रिएक्शन इन सीमेंट, ये सीमेंट के केमिकल रिएक्शन में मदद करता है कौन, आपका मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया की मात्रा कभी भी 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सीमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दैट इज द सल्फर। अब देखो सल्फर क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इम्पायर द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट, ये भी सीमेंट के साउंडनेस की बात कर रहे हैं। तो मतलब तीन चीजें हुई, पहला कौन था, लाइम था, दूसरा था मैग्नीशिया, और तीसरा हो गया सल्फर। तीन चीजें आपके क्या करती हैं, सल्फर मतलब साउंडनेस के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जगह पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जगह पे, लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका प्रेजेंट होता है SO2 SO3 के रूप में सीमेंट के अंदर। सीमेंट के अंदर SO2 और SO3 के रूप में प्रेजेंट होता है कौन, सल्फर। पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिका, सल्फर जो होता है, ये किसी एग्जाम में देखा भी था मैंने कि सल्फर जो होता है वो आपका किस रूप में मौजूद होता है सीमेंट के अंदर, तो वो SO2 SO3 के रूप में मौजूद होता है। यदि ज्यादा मात्रा में मिला दिया तो ये भी क्या करेगा, सीमेंट को अनसाउंड बना देगा क्योंकि साउंडनेस के लिए जिम्मेदार है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका एल्कलीज, ये बहुत जरूरी है भाई। क्या लिखा हुआ है एल्कलीज, और इसको हम लोग K2O, Na2O, सोडा, पोटास इन सभी के रूप में मानते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, K2O, Na2O और इसके अलावा आपका सोडा, पोटास इन सभी के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हर एक चीज, हर अगली क्लासेस का जो पूरा जो नोटिफिकेशन होता है सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, These are the undesirable property of cement. ये सीमेंट की undesirable properties है, मतलब अशोभनीय है, अशोभनीय चीजें हैं। क्या बोला है मैंने इसको, ठीक है बहुत सिंपल है, क्या बोला है इसको कि सीमेंट आपके पास, सीमेंट के अंदर एल्कलीज एक अशोभनीय है सीमेंट के अंदर, जिनको हम लोग चाहते नहीं है। जैसे आपने देखा है नींबू पानी जब मिलाते हैं तो नींबू पानी में नींबू के बीज आ जाते हैं ना, वो हम चाहते हैं कि वो बीज आए, नहीं आए, लेकिन वो आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी एक अशोभनीय है, अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है। सेम ऐसे ही सीमेंट के अंदर एल्कलीज अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आ रही है, इंप्योरिटीज है। चलो आगे लिखा है दीज गिव्स एफ्लोरेंस टू द सीमेंट एंड एटमॉस्फेयर, ये जो आप देखो अब एफ्लोरेंस लिखा हुआ है इस जगह पे, अब इसको हम लोग जनरली बोलते हैं उत्फुलन। क्या बोलते हैं, उत्फुलन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? उत्फुलन बोलते हैं, लेकिन बेसिकली भाषा में बात करूंगा तो खार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खार बोलते हैं इसको। खार मतलब इसमें नमक सा जमा हो जाता है। आपने देखा होगा किसी भी एक सीमेंट का, जहां पे हमने प्लास्टर वगैरह किया है, ठीक है, मोटार वगैरह लगाया, वहां पे देखा होगा सीमेंट में खार उत्पन्न हो जाता है, कुछ नमक जैसा व्हाइट कलर के धब्बे धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द एफ्लोरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द एफ्लोरेंस। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि एफ्लोरेंस एक्चुअली में होता कैसे है। तो देखो सीमेंट के अंदर क्या है बेटा, एल्कलीज उपस्थित होती हैं, तो वो एल्कलीज क्या करती हैं? वो एल्कलीज सीमेंट से सबसे पहले पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, क्या करती हैं बेटा? सीमेंट के अंदर जो पानी है उस पानी को सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद, क्या बोलूं मैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पर वो क्या करेंगी, उस पानी को एक समय आने पर, जब मौसम का प्रभाव होता है तो समय आने पर उस स्ट्रक्चर के ऊपर उगल देती हैं, उल्टियां कर देती हैं, वोमेटिंग कर देती हैं, जिससे कि वो गंदा पानी जब बाहर निकलता है एल्कलीज नमक के साथ में, तो उस सरफेस के ऊपर क्या बना देता है? धब्बे बना देता है, व्हाइट और येलो कलर के धब्बे बना देता है, उसी को हम लोग एफ्लोरेंस कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और चीज एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में ही पूछा जा चुका है कि एल्कलीज जो होती है वो भी सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देती है, मतलब कि सीमेंट को लंबे समय में जाके सुखाएंगी। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जिनको पढ़िए जल्दी से। क्या लिखा है देखें, सबसे पहले लाइम और सिलिका मेन कंपोनेंट होते हैं सीमेंट के। क्या लिखा है? लाइम और सिलिका सीमेंट के मेन कंपोनेंट होते हैं। कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं? तो देखो एक बार, लाइम और सिलिका 70 से 80% मात्रा में उपस्थित होते हैं। कैसे सर? लाइम आपका कितना था? 62 से 67%। ये कितना था सर? 17 से 25। टोटल मिलाओगे तो लगभग मान के चलो आप लोग 70 से 80% लगभग इनका योगदान होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पर? इसका योगदान होता है। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा कि सल्फर के लिए साउंडनेस टेस्ट नहीं है, मैग्नीशिया का साउंडनेस टेस्ट ऑटोक्लेव से, और लाइम के लिए ओनली ली चैटलियर। बहुत बढ़िया भाई आपने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए बेटा। थर्ड पॉइंट ये है, एफ्लोरेंस का मतलब ये होता है एल्कलीज एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट। एल्कलीज पहले पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वाटर एंड फॉर्म द वाइट ग्रे, और बाद में वो उगल देती हैं सरफेस के ऊपर, वहां पे वाइट ग्रे स्पॉट बना देती हैं सीमेंट के सरफेस पे, जिसे हम लोग एफ्लोरेंस कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? साउंडनेस इज गिवन बाई 3 कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। देखो इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर? इसकी ट्रिक होगी इसकी LSM ट्रिक। क्या है सर इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक है सर LSM ट्रिक। अब LSM ट्रिक क्या कहती है? L का मतलब है सर LSM, वैसे हम लोग RCC में पढ़ते हैं, L का मतलब, और RCC भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। L का मतलब बेटा लाइम, S का मतलब है सल्फर, M का मतलब है मैग्नीशिया। यहीं के यहीं पढ़ लो, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर फॉर साउंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे भी तरीके से पूछे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है कि अभी तक सल्फर के लिए मार्केट में कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? जिप्सम। अब देखो यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ, लाइम के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखो पहले से ही, दैट इज द ली चैटलियर एपरेटस। कौन सा इस्तेमाल होगा? ली चैटलियर एपरेटस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्वेश्चन है, दिमाग में रखो, इसको बहुत बार आता है क्वेश्चन। दूसरा ध्यान रखेंगे, लाइम प्लस मैग्नीशिया। क्या कह रहा हूं? लाइम प्लस मैग्नीशिया, इनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है सर? तो इसके लिए बेटा दोनों के लिए कंबाइनली अगर देखोगे तो हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑटोक्लेव एपरेटस का ऑटोक्लेव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जिप्सम लिखा हुआ है इस जगह पे। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, तो CaSO4.2H2O, मतलब इसमें कैल्शियम सल्फेट भी है और इसमें हाइड्रो भी है, पानी भी है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, यदि इसी को हम लोग आगे इसका कैल्सिनेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा? अगर इसका आगे कैल्सिनेशन कर देते हैं तो यहीं से आपके पास CaSO4.5H2O, और इससे हम लोग बोलते हैं बेटा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो एग्जाम में कोई पूछे कि कहाँ से भाई साहब ये बनता है आपका CaSO4.2H2O, तो ये आपका कैसे बनता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O से आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम में कोई पूछता है कई बार कि पीओपी कहाँ से प्राप्त होता है, तो पीओपी आपका जिप्सम से प्राप्त होता है। क्या कह रहा हूँ? पीओपी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पीओपी आपका जिप्सम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, मतलब कैल्शियम सल्फेट जो होता है सीमेंट के अंदर जिप्सम के रूप में उपस्थित होता है। आगे लिखा है कि जिप्सम को हम एक रिटार्डर की तरह इस्तेमाल करते हैं। रिटार्डर का मतलब क्या होता है? रिटार्डर मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जो कि एक मंदक के रूप में कार्य कर रहा है। मंदक मतलब एक ऐसा, मंदक का मतलब समझते हो जो स्पीड को स्लो करने का काम करता है। स्पीड को स्लो करने का काम कौन कर रहा है बेटा? मंदक काम कर रहा है, रिटार्डर काम कर रहा है। किसका? स्पीड को स्लो करने का। किस स्पीड की बात कर रहा हूं मैं? सीमेंट के सूखने की स्पीड को स्लो करने का काम किसका है बेटा? यहां पे जिप्सम का है। ध्यान से सुनो, देखो भागने की जल्दी नहीं है, 2 घंटे नहीं होगा तो 3 घंटे में पढ़ा दूंगा, लेकिन ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, आप लोग ईमानदार। देखो एक चीज में आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। 1050 बच्चे देख रहे थे, ठीक है 50, और वो लगभग 100 बच्चे कम हो गए, तो क्या उनको अपने करियर की चिंता नहीं है? समझो इस बात को यार थोड़ा सा। क्या आधे घंटे, पौने घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे की क्लास लेके चाहे आपने तीर मार लिया तो उखाड़ नहीं गया आपने, है ना? तो कंसिस्टेंसी, यही चीज तो बार बार समझाने की कोशिश करो, वहीं से मात खा रहे हो तो भाई साहब गड्ढे में गिरोगे, उल्टे मुंह गिरोगे ना, तब समझ में आएगी कहानी आपको। चलो, और इस बच्चों से रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि बेटा जितने आज हो उतने कल नहीं आए ना तो समझ लो वो आपका कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त चल रहा है। बढ़िया बात है ये तो, है ना, कि हम कोई ना कोई कम होता जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं ईमानदारी से बेटा डेली क्लास लो, अटेंड करो, फ्री में क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के फायदे के लिए, और कोई कंटेंट में कोई कटौती नहीं है। जो पेड क्लासेस में पढ़ा है उससे भी जबरदस्त पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर यहां पे, ठीक है। चलो देखेंगे एक बार आगे क्या लिखा हुआ है। जिप्सम समझ में आ गया, कैल्शियम सल्फेट समझ में आ गया। कैल्शियम सल्फेट किस रूप में? रिटार्डर का मतलब हिंदी में कोई पूछ ले बेटा तो रिटार्डर को हम लोग मंदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदक। जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आया हिंदी में पूछ लेना। आगे लिखा हुआ है इसे हम लोग 3 से 4% मात्रा में सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं। कब कब करते हैं तो लिख देता हूं, ड्यूरिंग द फाइनल ग्राइंडिंग। एग्जाम में कोई पूछ ले तो एग्जाम में बता सकते हो, जब हम लोग इसकी फाइनल ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं सीमेंट की तो उस टाइम पे हम लोग सीमेंट में मिलाते हैं इसको। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक जमाव काल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रारंभिक जमाव काल। प्रारंभिक जमाव काल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने सीमेंट में घर पे ले आए, हम सीमेंट को हम लोग घर पे खरीद के लेके आ गए, और सीमेंट को घर, बेटा हिंदी में भी तो बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी इंग्लिश सब में बता रहा हूं। अब बेसिक बातों को तो इंग्लिश में भी सुन सकते हो, यहां पे लिखा ही क्या है मैंने ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इस जगह पे कि बेटा सीमेंट में ध्यान से सुनना, सीमेंट के अंदर जिप्सम CaSO4.2H2 जिप्सम के रूप में, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के रूप में मिलाया जाता है। ये क्या है? ये आप लोगों का एक रिटार्डर मतलब एक मंदर के रूप में काम करता है। 3 से 4% मात्रा में मिलाया जाता है, और ये सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि प्रारंभिक जमाव। हाउ टू गेट पीडीएफ बेटा, यहाँ पे मिलेगी पीडीएफ आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा? एक मंदक के रूप में उपस्थित होता है और ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। मतलब सीमेंट को तुम घर खरीद के लेके आए, सीमेंट का एक कट्टा, उसमें तुमने क्या किया बेटा? पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद आपने देखा होगा ना कि ऐसे तुम पानी मिला के छोड़ दो, ऐसे थोड़ी कल तक यूज करते रहोगे, तो कुछ समय तक ही तो हम उसको यूज कर सकते हैं किसी जगह पे, तो उस समय को जब तक हम यूज कर पा रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने का मतलब हमें पर्याप्त समय देता है सीमेंट के साथ काम करने का। कौन? जिप्सम। समझ में आगे कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आगे आपके, जल्दी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहां पे मैं आप लोगों को पोल भी दूंगा। यहां पे कितने का? 30 सेकंड का पोल है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के आधार पर इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो में इनमें से कौन सी सीमेंट की ग्रेड हम लोग इस्तेमाल नहीं करते? नीचे लिखा है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का ग्रेड नहीं है? ये जल्दी से आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, आपका सभी का आंसर जो है वो आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से बताएं भाई, क्या आपका आंसर आ रहा है? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें प्लीज, जल्दी से। हाँ जी, क्या आंसर आया आपका? बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दें एक बार क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता देंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास में? पहला तो ये समझ लिया अपन ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बात तो 53 बताई दी, 33 बताई दी और 43 बताई दी। आंसर क्या आएगा बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया। बहुत बढ़िया 90 सर, अभी भी मूर्खता कर रहे हो। 2% डी वाला बच्चा कौन है? ये 43 वाला। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है चलो, तो देखो एक बार कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने तुरंत दिया और बढ़िया रैंक दी, सही आंसर बहुत सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई अपना? दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है आपके पास, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सामान्य उपलब्ध साधारण सीमेंट का स्पेसिफिक गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व आपके पास में क्या होता है? ऑप्शन बताएंगे 3.4 सबसे पहले दिया हुआ 92, 3.15, 1.83, उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास 2.05। तो जल्दी से आंसर बताएंगे बेटा क्या होगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे PYQ, टफ क्वेश्चन, सारे सब कुछ कराऊंगा, बस आप लोग धैर्य रखिएगा मेरी क्लास के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ में आ गया आपको क्या लिखा हुआ है। दैट इज 3.15, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखेंगे एक बार क्या दिख रहा है आपके आंसर, इसका बी आंसर। अभी भी देखो मूर्खता भरा बच्चा, डी भी दे रहा है, ए भी दे रहा है। भाई तुम, अब तुम्हारे दिमाग में अभी जा नहीं रहा क्या? भेजे के अंदर 3.14 से 3.15 वैल्यू होती, कितनी बार बताऊंगा इस चीज को? बच्चों वाले क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा? ये कैसे नहीं चल रहा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिप्सम यूज इन द सीमेंट। अभी जस्ट बताया था जिप्सम को हम लोग कैसे यूज करते हैं, 30 सेकंड का टाइम। जिप्सम यूज इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एज और एन। जिप्सम को हम लोग कैसे यूज करते हैं सीमेंट के अंदर? पहला, रिटार्डर के रूप में, एयर एंटरिंग एजेंट के रूप में, एक्सेलेरेटर के रूप में, प्लास्टिसाइजर के रूप में। जल्दी से आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा बेटा? रिटार्डर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या एयर एंटरिंग एजेंट, या एक्सेलेरेटर, या फिर आपका प्लास्टिसाइजर। किस रूप में इस्तेमाल करेंगे बेटा? हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर। इसका आंसर आएगा रिटार्डर का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे। जल्दी से बताएंगे क्या आएगा बेटा? रिटार्डर मतलब A इज द करेक्ट आंसर। सही है, सही है भाई, A इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा बेटा? A इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, A इज द करेक्ट आंसर ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या आएगा? रिटार्डर इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग क्या चल रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पायर द क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। इनमें से कौन सा एक सीमेंट के क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है? तो क्या लिखा हुआ है इस जगह पे? दैट इज सिलिका, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, एल्यूमिना। इनमें से कौन सीमेंट की क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला लिखा हुआ यहाँ पे सिलिका, दूसरा लिखा हुआ आयरन ऑक्साइड, तीसरा लिखा हुआ सल्फर, चौथा लिखा हुआ एल्यूमिना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले बात करेंगे क्या लिखा हुआ है? आयरन, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, एल्यूमिना। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डी इज द करेक्ट आंसर। समझना इस बात को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एल्यूमिना जो होता है उसे क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? अरे भाई सिलिका किसने दिया? सिलिका कौन बच्चा दे रहे हैं भाई? देखो 90% बच्चों ने ए आंसर दिया। बच्चे एक बार आओ जरा, जल्दी से देखो जरा इसको, मैंने क्या लिखाया था, देखो जरा। एल्यूमिना में क्या लिखाया था बेटा? एल्यूमिना क्विक सेटिंग, मैंने लिखाया भी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर भी तुम गलतियां कर रहे हो। मूर्खता नहीं, मूर्खता नहीं क्लास के अंदर। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? एल्यूमिना, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सीमेंट का बल्क डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है। क्या कह रहा हूं? सीमेंट की बल्क डेंसिटी आपके पास कितनी होती है, ये आपसे यहां पर पूछा हुआ है। सीमेंट की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया। 14 से 40 बताई दी, उसके आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तीसरा ये क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अब इसको देखिए जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर आपके पास में यहाँ पे आना चाहिए। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा बेटा? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आपका आएगा? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा आपके पास में? That is 1.44 is the B is the correct answer. B is the correct answer. 1.44 is the correct answer. तो ये क्वेश्चन आपके भाई कुछ माहौल बनाने वाले थे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थ्योरी किस तरीके से हमारी रिलेट कर रही है, कैसे हमें फायदा दे रही है। B is the correct answer है इसका। ठीक है, B is the correct answer for this question. चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक की। देखेंगे एक बार क्या आ रहा है सर नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं एक बार। जस्ट 1 मिनट। ये हो गया क्वेश्चन आपका, जल्दी से बताएंगे, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब बात करते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट की। मजा आया कि नहीं आया? फ्लो है एकदम, मजा आ रहा है, माहौल है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट की, मतलब कि सीमेंट का निर्माण कैसे किया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, सीमेंट का निर्माण जो है वो कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखो बेटा बेसिक बात करूंगा। सीमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटीरियल की मिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, रॉ मटीरियल की मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद उसकी बर्निंग की जाती है और बर्निंग के बाद में फाइनली उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहां से आप धीरे धीरे आगे मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में कोई पूछे तीन कौन से प्रोसेस हैं, तो तीन कौन से प्रोसेस हैं, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटीरियल की मिक्सिंग, उसके बाद बर्निंग, उसके बाद ग्राइंडिंग, ये तीन प्रोसेस होती है किसकी, सीमेंट की। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले देखो सीमेंट के लिए ना हम लोग दो तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। पहला है आपके पास में वेट प्रोसेस, सॉरी ड्राई प्रोसेस, दूसरा होगा वेट प्रोसेस। पहला आपके पास कौन सा होगा, ड्राई प्रोसेस, दूसरा आपके पास में होगा कौन सा, वेट प्रोसेस। अब सबसे पहले ड्राई प्रोसेस में समझने की कोशिश करना। देखो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं वो आपको यहीं कहीं बताऊंगा। सबसे पहले सुनेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कौन से दो प्रोसेस से की जाती है, तो ड्राई प्रोसेस से और वेट प्रोसेस से। ड्राई प्रोसेस में क्या बनता है, आपके पास में ड्राई पाउडर बनता है, जबकि वेट प्रोसेस के अंदर स्लरी बनती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखो मैंने आपको दो तरीके के मटीरियल बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सीमेंट आपका आर्जिलेसियस और कैल्सियस मटीरियल से मिलकर के बना होता है। तो आर्जिलेसियस मटीरियल ये लिखा हुआ, कैल्सियस मटीरियल आपका ये लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, आर्जिलेसियस और कैल्सियस। अब आर्जिलेसियस में हम लोग शैल या क्ले के रूप में ले लेते हैं और कैल्सियस में हम लोग चौक या CaCO3 के रूप में ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर इसकी 25 mm की क्रशिंग करेंगे जॉ मिल के अंदर। सेम इसकी भी 25 mm की क्रशिंग करेंगे जॉ मिल के अंदर। ये जॉ मिल क्या है, वॉल मिल क्या है, ट्यूब मिल क्या है, रोटरी मिल क्या है, सबके बारे में आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसकी क्रशिंग करेंगे 25 mm के टुकड़ों में, इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्जिलेसियस मटीरियल एक तरफ ले लिया, कैल्सियस एक तरफ ले लिया, फिर यहां पे इसको क्लियर शेल के रूप में ले सकते हैं और इसको चौक या CaCO3 के रूप में। उसके बाद क्या करेंगे, समझो इस बात को, सबसे पहले तो क्रशिंग करेंगे हम लोग 25 mm के टुकड़ों में, इसको क्रश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग 25 mm के टुकड़ों में क्रश करेंगे, दोनों को किससे करेंगे, जॉ मिल से कर लेंगे। उसके बाद में इसको और ग्राइंड करेंगे बॉल मिल के अंदर या ट्यूब मिल के अंदर, वॉल मिल या ट्यूब मिल के अंदर। इसको भी बॉल मिल ट्यूब मिल क्या करेंगे, इसको इसकी फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। उसके बाद में इसको स्टोर, मतलब इसको एक अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, इसको एक अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनको करेक्ट प्रोपोर्शन, सही अनुपात में दोनों को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। देन उसके बाद इसको प्री हीट करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस पे बाय द एग्जॉस्टेड गैस, मतलब एग्जॉस्टेड गैसेस द्वारा इसको हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, यहां पे इसको गर्म करेंगे, प्री हीट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है वो रिमूव हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद हम इसको रोटरी किल में भेज देंगे, रोटरी किल में इसको हम लोग भेज देंगे, फेड इन द रोटरी किल। अब इसमें रोटरी, बेटा विजुअल नहीं है, बोल तो रहा हूं, थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल कर लो, ठीक है। मैं क्या बोला क्या आपके पास दो तरीके के मटेरियल, आर्जिलेसियस और कैल्सियस। सबसे पहले 25-25, और जब तुम्हें नोट्स मिलेंगे ना उनमें सब कुछ देखेगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 25-25 mm के टुकड़ों में तोड़ लो, फिर इसकी और फाइन ग्राइंडिंग कर लो, अलग अलग बर्तनों में इकट्ठा कर लो। उसके बाद उसकी करेक्ट प्रोपोर्शन में इसको मिलाओ, प्री हीट करो 800 डिग्री सेल्सियस पे एग्जॉस्टेड गैस, बाहर से कुछ गैसेस से, गर्म गैसेस से, इसको फिर रोटरी किल में भेज दो। रोटरी किल आपका सामने आपको दिखाई दे रहा है। रोटरी किल जो होता है 1/30 से 1/20 के इंक्लाइन पर इंक्लाइंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1/30 टू 1/20 या 1/20 टू 1/30 लिख लेना, ओके। इसकी जो लेंथ है वो 90 से 120 मीटर होती है। इसका जो डाया वो 3 से 4 मीटर होता है। टेम्परेचर यहाँ पे 1400 से 1500 डिग्री जब होता है तो 3 mm से लेकर के 20 mm तक के यहाँ पे क्लिंकर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, क्लिंकर्स बनते हैं या नोड्यूल्स भी इस जगह पे बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब रोटरी किल के अंदर डाल देंगे तो इसमें चैम्बर्स होते हैं आपके पास में, 4 चैम्बर्स आपके पास में होते हैं। चारों के बारे में आगे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। प्रोपोर्शन वगैरह सब कुछ धैर्य रखो, थोड़ा समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया, और कोई पूछेगा नहीं तुमसे प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको रोटरी किल में डाला, रोटरी किल में बनके जब 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर पे आपके क्लिंकर्स बन जाते हैं। क्लिंकर को हम लोग डेसिकेटर या कूलर जो होते हैं उनके अंदर हम लोग ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा। क्यों सर, क्योंकि डायरेक्टली अगर तुम इसको क्रशिंग करने के लिए किसी जगह डालोगे, एक मिल के अंदर डालोगे या फिर किसी एक ग्राइंडर के अंदर डालोगे तो ग्राइंडर के जो ब्लेड्स होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर के कारण से पिघल जाएंगे। इसीलिए हाई ग्राइंड बेटा एई वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाई ग्राइंडिंग मैं क्या बोला बेटा, जब हम उसको बड़े ग्राइंडर के अंदर डालेंगे तो हाई टेम्परेचर के कारण से वो जो ब्लेड्स होंगे ना वो आपके पिघल जाएंगे, और जब वो बेटा पिघल जाएंगे ना तो उनसे पूरा का पूरा ब्लेड ही डैमेज हो गया तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्लिंकर्स बनते हैं ना इनको ठंडा करते हैं डेसिकेटर के अंदर, और ठंडा करने के बाद हम इसकी फाइनल ग्राइंडिंग करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं इस जगह पे, दिस इज द फाइनल ग्राइंडिंग। यहाँ पे हम लोग इसकी फाइनल ग्राइंडिंग करते हैं। जब इसकी फाइनल ग्राइंडिंग की जा रही होती तो इसमें 3 से 4% मात्रा में, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3 से 4% मात्रा में हम लोग क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, जैसा मैंने पहले भी लिख दिया था। और फाइनली यहाँ पे इसको पैकिंग प्लांट्स में भेज दिया जाता है 50 केजी के बैग के अंदर। क्या बोला हूं मैं, इसको हम लोग 50 केजी के बैग में या 35 लीटर के बैग के रूप में हम इसको पैकिंग प्लांट्स में भेज देते हैं। बात क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। तो ये आपको क्लियर है यहां तक की बातें। अब बात करेंगे सर दूसरे पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, सीमेंट का निर्माण। तो यहां पे देखो, यहां पे आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है, दिस इज द वैट प्रोसेस। क्या है बेटा, दिस इज द वैट प्रोसेस। अब वैट प्रोसेस सेम है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। देखो आर्जिलिसियस मटेरियल वही सेम कैलसीरियस, इसको हम लोग आर्जिलिसियस को कैसे लेंगे, इसको क्ले या शेल के रूप में, इसको चौक या CaCO3 के रूप में। उसके बाद क्या करेंगे, 25 एमएम के टुकड़ों में तोड़ेंगे, इसको 25 एमएम के टुकड़ों में तोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, 25 एमएम के टुकड़ों में तोड़ेंगे। उसके बाद वॉशिंग जो होगी वो आपकी वॉश मिल के अंदर होगी। क्या कह रहा हूं मैं, वॉशिंग जो होगी वॉश मिल। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, जो आर्जिलिसियस था पहले उसको हम लोग 25 एमएम के टुकड़ों में तोड़ने के बाद, दोनों को 25-25 एमएम के टुकड़ों में तोड़ा, और इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, क्रशिंग की थी 25 एमएम के टुकड़ों में, जॉ मिल या वॉल मिल से, दोनों के अंदर। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 25-25 एमएम तोड़ तो रहे हैं, लेकिन इसको तो हम लोग कर रहे हैं वॉश मिल के अंदर, इसकी वॉश ग्राइंडिंग, मतलब कि इसकी वेट ग्राइंडिंग, पानी मिलाकर किसकी पिसाई हो रही है, इसकी डायरेक्ट पिसाई हो रही है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी के साथ में ना अगर पहले ही मिला देंगे तो रिएक्शन ज्यादा करेगा, जिसके कारण से वहां पे हीट इवेबरेट, हीट आपकी ज्यादा क्या कहते हैं उसको लिबरेट हो जाएगी, जिसके कारण से आपको वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण से आपका जो सीमेंट है वो बेकार क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसकी स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज के बाद में करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, फिर करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स करने से क्या होगा, यहाँ पे स्लरी बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या बनता है, लगभग 10 से, देखो यहाँ पे आपका लगभग 10 से 14% पानी मिलाते हैं। ठीक है, 10 से 14% पानी मिलाते हैं अपन लोग, लेकिन यहाँ पे मेन इम्प्रॉपर पानी मिलाते हैं, और इससे आपका स्लरी फॉर्मेशन होता है, स्लरी बनती है आपके पास में। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है प्री हीट, वही सेम 800 डिग्री से प्री एग्जिस्टेड गैसेस से हम लोग करते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी यहाँ पे नहीं है वेट प्रोसेस के अंदर। उसके बाद रोटरी किल्न के अंदर हम इसको डाल देते हैं, सेम प्रोसेस होगा। फाइनली आपके पास में इसको 50 केजी के बैग में पैक करने के लिए इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सब कुछ बेटा। एक चीज देखो, एक चीज धैर्यपूर्वक मेरी हाथ जोड़ के वापस से सुन लो, पढ़ा किसके लिए रहा हूं, आपके लिए। पढ़ना किसको है, आपको। सिलेक्शन किसको चाहिए, आपको। बेटा एक रिचार्ज, एक चार्जर या नोट पेन पेपर लेके तुमको तसल्ली से एक जगह पे नहीं बैठा जा रहा है ना, तसल्ली से एक जगह पे बैठा नहीं जा रहा आप लोगों से। थोड़ा यार धैर्यपूर्वक सुनो क्लास को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो हाँ, जितने बच्चे अभी पूछ रहे हैं तो उन सभी को बता देता हूं मैं कि यहाँ पे आप लोगों को अभी एक मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगी। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। देखो कुछ पॉइंट मैंने बता रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं बेटा, टेम्परेचर, धैर्य रखो। देखो आगे देखो एक बार, रोटरी किल्न पूरा, इसके सारे टेम्परेचर, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, घबराओ नहीं, मैं बैठा हुआ हूं ना, टेंशन मत लो, आराम से सुनो पहले इस बात को। मैं तो वो भी बता रहा हूं बेटा जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, सुनो एक बार बेटा, कुछ नहीं है, ड्राई के अंदर बस दोनों को टू मिल और बॉल मिल में ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन वॉश मिल के अंदर जो आर्जिलिसियस है उसकी वॉश ग्राइंडिंग या फिर वेट ग्राइंडिंग, पानी मिला करके पिसाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग कई बार कोई, जैसे मान लो तुम्हें कोई जूस बनाना है तो तुम डायरेक्ट फल को डाल देते हो, लेकिन तुम्हें कोई मान लो पिसाई करनी है, महीन पिसाई, तो तुम क्या करते हो, वहां पे पानी भी डालते हो उसके अंदर, जैसे कुछ मसाले ऐसे पीसे जाते हैं, चटनी वगैरह पीसी जाती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो एक बार, जॉ क्रशर्स क्या होते हैं। तो जॉ क्रशर्स क्या होते हैं, ये वो क्रशर होते हैं जो लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं। जॉ मिल बोल रहा था अभी मैं, जॉ मिल या जॉ क्रशर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस जगह पे इट इज यूज फॉर क्रशिंग ऑफ द लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल, मतलब ये लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक आपकी फिक्स्ड लिख रहा है ना इस जगह पे, दिस इज द फिक्स्ड प्लेट, ये आपकी एक फिक्स्ड प्लेट है, इसमें बड़े पार्टिकल को यहाँ से डाला जाता है। फिर ये एक मूविंग प्लेट है, ये आपकी एक मूविंग प्लेट है जो पिस्टन की सहायता से क्या होती है, चलती रहती है, इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। और ये क्या करती है, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ के, यहाँ लिख रहा है ना स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ के यहाँ से निकालती रहती है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इनका मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में चलता रहता है, चलता रहता है। बात समझ में आई, दिस इज द जॉ क्रशर, ठीक है, दिस इज द जॉ क्रशर। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे सर वॉल मिल क्या होता है। तो वॉल मिल क्या करती है, ये कोर्स ग्राइंडिंग, कोर्स ग्राइंडिंग का मतलब होता है मोटी पिसाई, मोटी पिसाई मतलब कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उन रॉ मटेरियल की मोटी पिसाई करने के लिए हम लोग बॉल मिल का इस्तेमाल करते हैं। और जॉ क्रशर का इस्तेमाल बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल, जैसे हमने 25 एमएम में तोड़ा था तो जॉ क्रशर से तोड़ा था। उसके बाद बॉल मिल मतलब बॉल मिल या ट्यूब मिल में डाल करके और इसको तोड़ते हैं। आगे लिखा हुआ है वॉश मिल क्या होता है, जैसा अभी मैंने बात की थी वॉश मिल। तो वॉश मिल क्या करता है बेटा, वेट ग्राइंडिंग करता है, मतलब कि पानी डाल करके जो पिसाई होती है उसे हम लोग बोलते हैं वेट ग्राइंडिंग ऑफ द पार्टिकल या मटेरियल। तो लिखा हुआ है इट इज यूज फॉर मेकिंग द स्लरी बाई वेट ग्राइंडिंग, मतलब कि गीली पिसाई। वेट ग्राइंडिंग मतलब बेटा गीली पिसाई, जब हम लोग मटेरियल की गीली पिसाई करते हैं, पानी मिला करके पिसाई करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉश मिल से ग्राइंडिंग करना, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द स्लरी बाई। अब देखो इससे क्या बनेगा बेटा, स्लरी। स्लरी कैसे बनेगा, जब पानी मिलेगा, और पानी मिलके स्लरी कहां से मिल रहा है बेटा, वेट ग्राइंडिंग से। तो वेट ग्राइंडिंग कहां पे हो रही है, दिस इज इन द वॉश मिल। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो लेंथ होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर की होती है इसकी लेंथ। उसके बाद इसका डायमीटर जो होता है 2.5 से 4 मीटर का डाय होता है, और इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है, और ये 15 से 20 RPM पर रोटेट करता है। ये सब बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी मैं कंटेंट आपको पूरा दूंगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ आगे आपके पास में, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास ट्यूब मिल क्या होता है। तो ट्यूब मिल, जैसे देखो अभी हमने पढ़ा था ना अभी हमने एक पढ़ा था वॉल मिल। तो वॉल मिल किस काम आता है, मोटी पिसाई करने के लिए वॉल मिल काम में आता है। सेम ऐसे ही ट्यूब मिल जो होता है फाइन ग्राइंडिंग, मतलब कि महीन पिसाई करने में, या इसको लिख दूंगा बारीक पिसाई करने में। किस काम आता है बेटा, बारीक पिसाई करने में। घरों में कई बार आटा आता है ना, कहती है मम्मी हमारी की बारीक आटा पीसा है, या कहते हैं मोटा आटा पीस दिया, इसलिए रोटियों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है बनने में। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला, इसको महीन पिसाई करने में किया जाता है। अब इसकी लेंथ जो होती है 6 से 9 मीटर होती है, इसका जो डाय है वो 2 से 2.5 मीटर आपका होता है। आगे लिखा है ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसमें कि क्रशिंग अरेंजमेंट अंदर की तरफ लगे होते हैं, ब्लेड्स वगैरह, ठीक है, जो कि फाइन ग्राइंडिंग करते हैं 25 एमएम के पार्टिकल्स को भी, मतलब 25 एमएम के पार्टिकल को और छोटे पार्टिकल में तोड़ने के लिए हम लोग ट्यूब मिल का इस्तेमाल करते हैं। कितनी बढ़िया बात करी, ठीक है, होगी बेटा होगी, उस बैच में मेरी क्लास होगी, ठीक है बेटा, धैर्य रखो, बार बार पूछने से कुछ होगा नहीं, है ना, ठीक है ठीक है, प्रोवाइड हो जाएगा बेटा पीडीएफ आपका, टेंशन मत लो। अब आगे बेटा रोट्रिकल, इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है मिलेगी। अब आगे देखो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक है हमारा, हमारा टॉपिक है देखो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमने 3 पॉइंट पढ़े, मिक्सिंग होती है रॉ मटेरियल की, बर्निंग और ग्राइंडिंग। उसके बाद 2 तरीके के प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस। फिर उसके बाद कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाते हैं ये भी पढ़ा रहा हूं, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और बेटा देखो बैकग्राउंड क्या रखना है, कैसे रखना है, ये फिक्स है, ऐसा ही रहेगा, आप पढ़िए, बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए, सब कुछ दिखाई देगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे रोटरी किल, क्या लिखा है बेटा, रोटरी किल लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रोटरी किल लिखा हुआ। अब देखो रोटरी किल क्या है, ये मेन इंस्ट्रूमेंट है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का। क्या लिखा है मैंने, सीमेंट की बेटा मैन्युफैक्चरिंग का मेन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो ये है रोटरी किल। बाहर इंडिया से बाहर बेटा रोटरी किल कुछ ऐसा आपका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं इस चीज को, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर 4 जोन होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, क्या कह रहा हूं, 4 चैम्बर होते हैं। पहला जोन होता है इसे बोलते हैं हम लोग ड्राइंग जोन, दूसरा जोन होता है इसे हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन जोन, तीसरा जोन होता है इसे बोलते हैं क्लिंकर जोन, और चौथा होता है बेटा रोटरी कूलर जोन या डेसिकेटर जोन। मतलब कि सबसे पहले ड्राई होगा पूरा का पूरा जो मटीरियल है, उसके बाद ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ ना, है ना। और बेटा देखो जो पढ़ा रहा हूँ ना एग्जाम टाइम में, जिसने बीएमसी नहीं पढ़ा इन क्लासेस को ले लेना, गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाता है। दूसरी बात ये कि जिसने पढ़ लिया है बेटा वो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ खास बता रहा हूँ, इस पूरे नोट्स के अंदर फालतू का कंटेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, चार जोन है। पहला ड्राइंग जोन, कैल्सिनेशन, क्लिंकर और डेसिकेटर जोन। चारों के बारे में पढ़ने का भाई एक्सप्लेनेशन, आ जाओ जरा। देखो बेटा, ये आपका है, दिस इज द रोटरी किल। क्या है बेटा? रोटरी किल। चार चैम्बर्स बोले, एक, दो, तीन और चौथा, 1, 2, 3 और चौथा, 1, 2, 3 और चौथा। देखो एक बार, सबसे पहली बात तो रॉ मटेरियल को बेटा कहां से डालेंगे? रॉ मटेरियल को पाउडर या स्लरी फॉर्म। पाउडर मतलब ड्राई, अगर प्रोसेस से किया है तो पाउडर फॉर्म में, और मतलब पाउडर तो नहीं होता प्रॉपरली, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर होता है। और स्लरी मतलब जो गाढ़ा, जो आपके पास में लिक्विड है या फिर गाढ़ा जो फ्लूइड के रूप में जो मौजूद है आपकी सीमेंट, वो उसके बारे में बात करें। क्लिंकर की जो पिसाई के बाद में जो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें? जनरली स्लरी मतलब जितना भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की गीली पिसाई के बाद में जो बना है वो स्लरी, और जो ड्राई प्रोसेस से बना है वो पाउडर। इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? एंट्री करवाते हैं, यहाँ से इसकी एंट्री करवाते हैं। रॉ मटेरियल को यहाँ से हम लोग डालते हैं। उसके बाद क्या होता है सर? यहाँ से कंप्रेस्ड एयर डाली जाती है प्रॉपरली। क्यों? ताकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा सीमेंट बन रहा है उसमें हम लोग मेंटेन करके रखते हैं टेम्परेचर, सॉरी मेंटेन करके रखते हैं, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर एंटर ना कर सके, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आगे यहाँ से खुला हुआ है भाई ये, ठीक है। ये क्या हो रहा है इस जगह से सर? इस जगह से आपका ये खुला हुआ है, ऐसे है ये, ठीक है। क्या है बेटा? ये आपका ऐसे ये खुला हुआ है। ओके, अब देखें आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस जगह पे सर। यहाँ पे आपका सबसे पहला जो चैम्बर है वो आपका जोन 1। जोन 1 को हमने क्या बोला था बेटा? जोन 1 को बोला था हमने ड्राइंग जोन, मतलब इसमें इसका जो टेम्परेचर है वो 250 से 500 डिग्री सेल्सियस है। आगे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद सेकंड जोन में धीरे धीरे क्या होगा? ग्रेविटी के थ्रू आगे की तरफ खिसकता रहेगा आपका जो सीमेंट है, वो आपका सीमेंट जो बन रहा है रॉ मटेरियल, वो आप लोगों का यहाँ पे धीरे धीरे खिसकता रहेगा आगे की तरफ, है ना। ओके क्या लिखा हुआ है इस जगह पे? खिसकता रहेगा आगे की तरफ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास में एक बच्चा बार बार लिख रहा है सर आर्जिलिशियस कैल्सियस। बेटा बता रहा हूँ, धैर्य रखो। और तुम यार बार बार क्यों पूछ रहे हो? बता तो चुका हूँ। आर्जिलिशियस कितना यूज किया था बेटा? 62 से 67%, है ना। सॉरी, आर्जिलिशियस का मतलब यहाँ पे हमने यूज किया था लाइम और सिलिका को, ठीक है। अब लाइम और सिलिका के रूप में मौजूद करना है, तो ये आपका क्या होगा? लाइम के रूप में 62 से 67%। सिलिका कितना यूज किया बेटा हमने? सिलिका किया था 17 से 25%। यही तो रेशियो है बेटा आपका, 64 रेशियो 10 कर लो, ठीक है बेटा। कैल्सिरियस बार आप एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो, कैल्सिरियस और आर्जिलिशियस, ठीक है बेटा। 64 रेशियो 10 हो गया आपका। क्लियर है सभी को? आप कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलो आगे देखो क्या लिख रहा है इस जगह पे। दूसरा जोन में चले गए खिसकते, फिर तीसरे जोन में आ गए। ये तीसरा जो जोन है ना, इसे बोलते हैं क्लिंकर जोन। और इसी में बेटा यहाँ पे आपके क्या बनते हैं? क्लिंकर बनते हैं। 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। उसके बाद इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, और ये जो आपके पास में इस चारों तरफ की जो दीवारी बनी हुई है ना, ये आपकी फायर रेजिस्टेंस ब्रिक, या इनको हम लोग बोलते हैं क्या? रिफैक्ट्री ब्रिक बोल दो इनको। क्या बोल दो बेटा? रिफैक्ट्री ब्रिक बोल दो, या इसको क्या बोल दो बेटा? थर्मल ब्रिक बोल दो। क्या बोल दो इसको? इसको या फिर आप लोग थर्मल ब्रिक बोल दो, कोई कुछ टेंशन नहीं, ठीक है। थर्मल ब्रिक बोल दो, एक ही बात है। इससे बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। बात क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को बढ़िया तरीके से। और यहां से देखें, यहां से आपका कंप्रेस्ड एयर डाली जाती है। क्या कह रहा हूं बेटा? यहां से आपकी कंप्रेस्ड एयर जो है डाली जाती है, और यहां से आपका फ्यूल डाला जाता है पाउडर्ड कोल के फॉर्म में, या ऑयल फ्यूल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे फ्यूल डालते हैं। उसके बाद ये जो आपका टाइम जितना भी आपका क्लिंकर्स बना, वो क्लिंकर इस जगह पे जोन 4 में पहुंच जाता है। और जोन 4 में आते आते इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम इस टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस अप टू 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसको रिड्यूस कर देते हैं। इसके टेम्परेचर को 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको रिड्यूस कर देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे फाइनली आपके पास क्लिंकर बनते हैं। उसके बाद उसके हम लोग फाइनल ग्राइंडिंग करते हैं, और ग्राइंडिंग के टाइम पर हम उसमें क्या करते हैं? 3 से 4% जिप्सम मिलाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? 3 से 4% जिप्सम मिला देते हैं, और जिप्सम मिलाने से फाइनली आपके पास में एक सीमेंट जो है बनकर तैयार हो जाता है। आगे पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। देखें एक बार, पहली बात तो लिखा हुआ रोटरी किल को हम लोग 1 से 3 RPM पर रोटेट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इनसाइड सरफेस जो होती है रोटरी किल की, वो रिफैक्टरी ब्रिक या फायर ब्रिक या थर्मल ब्रिक से बनी होती है, ठीक है, या फायर रेजिस्टेंस ब्रिक से आपकी बनी होती है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है इस जगह पे जोन फर्स्ट। जोन फर्स्ट आपका क्या है, इसमें टेम्परेचर आपका मेंटेन जो होता है वो होता है 250 से 500 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 250 से 500 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है। इससे हम लोग ड्राइंग जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम लोग ड्राइंग जोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्लरी और पाउडर रॉ मटेरियल। जो कि मॉइस्चर आपका स्लरी या पाउडर रॉ मटेरियल में होता है उसको डिसअपियर करने के लिए और के लिए हम लोग इस जोन में इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और यहां से गैसेस भी लिबरेट होती हैं। ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज द जोन टू। क्या है आपके पास, दैट इज द जोन टू। अब जोन टू में क्या है आपके पास, कैल्सिनेशन जोन जो है वो आपका वो 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई पूछ ले तुमसे, मान लो चलते फिरते कोई किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द कैल्सिनेशन, तो देखो सीमेंट को या किसी मटीरियल को तप्त लाल होने तक गर्म करना ही कैल्सिनेशन है। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, सीमेंट बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको कि किसी भी जगह पर कोई पूछे कि हम लोग क्यों इस जगह पे मेंटेन करें, यहाँ पे लिखा ना कि हम लोग यहाँ पे 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे कैल्सिनेशन जोन है। किसी भी मटेरियल को तप्त लाल होने तक या रेड कलर का होने तक गर्म करने की जो तरीका, एक चाय दे दो यार, चाय दे दो कप में, ठीक है, को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज द कैल्सिनेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जोन के अंदर जो स्लरी होती है, पाउडर रॉ मटेरियल होता है, उसको सेमी सॉलिड स्टेट में या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में प्राप्त करने के लिए और नोड्यूल्स फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोन टू में जाते हैं। ठीक है, फिर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जोन। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण से ये जो सीमेंट आपका ये खिसक के और नीचे पहुंच जाता है। मतलब दिख रहा है ना आपको ये डायग्राम, खिसक के ग्रेविटी के कारण से जोन थ्री के अंदर चला जाता है। अच्छा जोन थ्री क्या है, तो जोन थ्री में आपका टेम्परेचर कितना है, दैट इज 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या आपके पास, ये क्लिंकर जोन है। कौन सा जोन है, क्लिंकर जोन। अब इस क्लिंकर जोन में लिखा हुआ है कि इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन। ये आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जोन है। क्या है आपके पास, ठीक है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जोन है। अब यहां पे लिखा हुआ है इस जोन के अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट बनते हैं एंड दीज ऑल आर एट द हाई टेम्परेचर और इन द मेल्ट फॉर्म। मतलब बताया है कि यहां पर जाकर के आपके कुछ केमिकल कंपाउंड बनते हैं, आपस में मिक्स वगैरह होता है तो केमिकल कंपाउंड आपके पास में बनते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लोगों ने मुझे आजकल टैग दे दिया है बीएमसी किंग का, तो थैंक यू सो मच भाई लोगों। मैं तो ऐसा नहीं समझता हूं, लेकिन आप लोग बच्चे इतना प्यार करते हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इस बात का जरूर आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा बीएमसी का कंटेंट आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और ध्यान से पढ़ते हुए चलो भाई। ठीक है, चलो तो यहां पर लिखा है कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर जोन होता है। उसके बाद ये जोन आपका कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं इसमें जो कि हाई टेम्परेचर पे बनते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद लिखा है कि सरफेस टेंशन के कारण से इन मेल्ट पार्टिकल जो होते हैं वो 3 से 25 mm की, अब कोई पूछ ले कि भाई एक क्लिंकर में कैसे चेंज हुए तो कैसे चेंज हुए, पहली बात तो फ्लो कर रहे हैं, फिर सरफेस टेंशन, सरफेस पर क्या होता है काफ़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण से, अब इसमें फ्लूइड में डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन डायरेक्टली समझ लो कि यहाँ पे क्या होता है आपके पास में कि जो आपका मेल्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सरफेस टेंशन के कारण से 3 से 25 mm तक की राउंड बॉल के अंदर चेंज हो जाते हैं जिन्हें हम लोग क्लिंकर्स कहते हैं। आगे लिखा है एट द एस्केप और एग्जिट डोर। एस्केप और एग्जिट डोर पर आपके पास जो क्लिंकर का टेम्परेचर होता है वो आपका 100 से 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब इसका सीधी यार 150 कर लो, इसको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सीधी भाषा में ये है कहने का मतलब, अगर आप सुनना चाहो तो कि भाई अगर आप लोगों को सीमेंट को बढ़िया तरीके से बनाना है तो सीमेंट के अंदर वहां पे जो आपके पास फाइनल ग्राइंडिंग के लिए जब सीमेंट को भेज रहे हो तो उस जगह का टेम्परेचर आपका 100 से 150 डिग्री ग्राइंडिंग से पहले होना चाहिए। आगे लिखा है जोन नंबर 4 जिसका नाम है रोटरी कूलर या फिर डेसिकेटर जोन। ठीक है, क्या है आपके पास, रोटरी कूलर या डेसिकेटर जोन। इसमें लिखा है इट यूज टू कूल डाउन द क्लिंकर। ये क्लिंकर को कूल डाउन करने के लिए किया जाता है ताकि उसको अपकमिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, उसको हम लोग अपकमिंग जो प्रोसेस है उसके लिए भेजा जा सके, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज द बॉक्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुन के समझने में, बस ध्यान से मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर जोन 4 में वहां 1000 थी तो वो रॉन्ग थी। अरे नहीं बच्चे, सुनो इस बात को ध्यान से सुनो, क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है ग्राइंडिंग से पहले, ग्राइंडिंग कौन सी, डेसिकेटर के बाद जो फाइनल ग्राइंडिंग, बिफोर फाइनल ग्राइंडिंग, यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ, फाइनल ग्राइंडिंग से पहले जो आपके पास जो यहाँ से आप निकाल रहे हो ना क्लिंकर जो निकल रहे हैं उनका टेम्परेचर हमें इतना करना होता है, कितना, 100 से 150। और इसको करने के लिए वहाँ पे हम लोग ना एक डेसिकेटर लगा के रखे होते हैं, वो डेसिकेटर ठंडा करता है और फाइनली इसको 100 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक लेके चला जाता है। अब समझ में आ गया आपको। चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। एक बच्चा पूछ रहा है सर जिप्सम पहले क्यों नहीं मिक्स करते हैं, लास्ट में क्यों मिक्स करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो अगर जिप्सम को आप पहले मिक्स कर दोगे, जिप्सम में क्या चीज़ है, कैल्शियम सल्फेट है, क्या है बेटा, कैल्शियम सल्फेट है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है। इस जगह पे देखो तुम, यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें हाई टेम्परेचर यूज हो रहा है। अगर तुम यहीं पर जिप्सम मिला दोगे तो जिप्सम का कैल्सिनेशन हो जाएगा और वो पीओपी में चेंज हो जाएगा। और पीओपी जो होता है वो तुम्हें पता है पानी के प्रेजेंस में क्या करती है, वहाँ पे रिएक्शन करना चालू कर देती है, सेट नहीं होती, जिसके कारण से वहाँ पे न्यूडल्स बनने में या क्लिंकर बनने में बड़ी तकलीफ आएगी। मतलब वो प्रॉपर शेप या प्रॉपर तरीके से उतनी स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हार्ड क्लिंकर्स नहीं बन पाएंगे। ये रीज़न है आपका फाइनल ग्राइंडिंग के टाइम पर यूज़ करने का, क्योंकि ये रिटार्डर है, इसको अलग से ही मिक्स किया जाएगा। और फाइनल ग्राइंडिंग के टाइम पर इसलिए कर रहे हैं ताकि जब फाइनल प्रोडक्ट आपका बन चुका है उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये एक मेन प्रोडक्ट नहीं है किसका, सीमेंट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया बॉग कंपाउंड क्या होता है। देखो जब सीमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देखो बेटा जब सीमेंट को बनाया गया था ना, तो सीमेंट को जैसे ही हम लोगों ने बनाया और सीमेंट के अंदर जब पानी मिक्स होता है ना, सीमेंट के अंदर जो पहले से जो पानी मौजूद होता है जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड बनने की मैंने बात करी थी। किस किस को ध्यान है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी कुछ केमिकल कंपोनेंट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये केमिकल कंपोनेंट एक्टिव कब होते हैं, जब हम लोग सीमेंट को घर ले आते हैं और सीमेंट को घर ले आकर उसमें पानी मिलाते हैं ना, उसमें हम लोग ऐसा करते हैं, उस टाइम पर हम लोग बॉग कंपाउंड को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि व्हेन वाटर इज मिक्सड इन द सीमेंट, जब पानी को सीमेंट में मिलाते हैं, इट रिएक्ट विद द कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट, तो सीमेंट के उन केमिकल कंपोनेंट के साथ में रिएक्ट करना चालू कर देती है। और रिएक्ट करने के बाद में फाइनली यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड बनते हैं, फाइनल रिजल्टेंट कंपाउंड बनते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे बॉग कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉग कंपाउंड। अच्छा बॉग कंपाउंड की जो खोज की थी वो किसने की थी भाई साहब, मिस्टर बॉग ने की थी, इसीलिए हम इनको बॉग कंपाउंड कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताया कि इनकी खोज जो है वो बॉग ने की थी, इसलिए हम इनको बॉग कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम लोग बॉग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे सुनेंगे सर। अच्छा एक और थे भाई ली चैटलियर और बोरहोमन। कौन थे, ली चैटलियर और बोरहोमन। क्या था, बॉग अपने अलग एक खोज करने में लगे हुए थे और ली चैटलियर और जो बोरहोमन थे ये भी अपनी एक अलग खोज करने में लगे हुए थे। बाद में इन्होंने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि कोई एक मिसाइल मैंने तैयार करी, सेम क्वालिटी की मिसाइल तुमने भी तैयार करी। मैंने अपनी मिसाइल का नाम रखा राम और तुमने अपनी मिसाइल का नाम रखा मोहन। तो नाम अलग है लेकिन काम तो दोनों का सेम है। सेम ऐसे ही ली चैटलियर ने बॉग ने अपने कंपाउंड बनाए जिनका नाम इन्होंने खोज करी, देखा केमिकल का चार केमिकल कंपाउंड बन रहे और इन्होंने उनका नाम रख दिया बॉग कंपाउंड। ली चैटलियर और बोरहोमन ने भी ऑब्जर्व अबाउट द क्लिंकर्स एंड फाइंड द सिमिलर कंपाउंड एज द बॉग। मतलब कि ली चैटलियर और बोरहोमन ने भी इनके ऊपर खोज करी और बाद में देखा कि इनके क्लिंकर के ऊपर जो इन्होंने खोज करी है, क्लिंकर के ऊपर जो इन्होंने प्रोडक्ट बेस जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो लगभग बॉग के कंपाउंड के जैसे ही हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी उन्हीं के साथ साथ सिमिलर नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार कंपाउंड बने थे। कौन कौन से कंपाउंड बने सर, C3S, C2S, C3 और C4F। अब बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेन कंपाउंड होते हैं। देखो ध्यान है आप लोगों को, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेन कंपाउंड होते हैं सीमेंट के वो होते हैं कौन कौन से आपके पास में, C2S और C3S। देखो जो सबसे बेस्ट होता है ना उसको A ग्रेड मिलता है। क्या बोलता है, ठीक है, सबसे जो बेस्ट होता है ना वो A ग्रेड होता है। तो जिसको A ग्रेड मिलता है कि नहीं मिलता, ऑफिस स्कूल में कॉलेज में मिलता था ना, जिसका सबसे बढ़िया काम उसको A ग्रेड। तो सबसे बेस्ट कौन है इसमें, सबसे बेस्ट है आपका कौन, C3S। तो C3S को क्या मिला बेटा, A ग्रेड मिली, इसलिए इसका नाम हो गया A एलाइट। उसके बाद उससे सेकंड नंबर पे जो आता है उसको बी ग्रेड मिलता है। तो सेकंड नंबर पे कौन है बेटा, C2S। तो इसको क्या मिल गया बेटा, बी ग्रेड मिल गया। क्या मिल गया, बी ग्रेड मिल गया। एफ से क्या याद हो गया बेटा, एफ से F याद हो गया, फ्लाइट याद हो गया। और बचा गुचा एक C3 है, इससे हमें स्लाइड याद हो गया। क्या याद हो गया बेटा? स्लाइड। याद करने की बहुत आसान टेक्निक है। कोई पूछ ले तुमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द अलाइड, तो आंसर दोगे C3S। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज द फ्लाइट, तो दोगे C4F। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज द स्लाइड, तो आंसर दोगे C3A। तो बड़ा आसान रहा। क्या बोला मैंने? यदि सबसे बेस्ट वाले को A ग्रेड, तो सबसे बेस्ट है C3S। सेकंड नंबर का सबसे बेस्ट कौन है? C2S, तो उसको देंगे B ग्रेड। उसके बाद में F से याद हो जाएगा फ्लाइट, और C बच्चा कुचा जो रहेगा वो स्लाइड। याद करने की ट्रिक है, याद कर लीजिए, बहुत आसानी से याद आपको हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, एक बार दिल भेजेंगे, चाय की एक चुस्की ले ली जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। क्लास आज 3 घंटे रखें, कोई दिक्कत है किसी को? 3 घंटे में बेटा सीमेंट को जबरदस्त कर दूंगा, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो समझ में ना आए। जल्दी से बताएंगे। ली चैटियर डूइंग समथिंग एज, बिल्कुल दोनों लगभग एक जैसा कर रहे थे। बस गला थोड़ा सूख गया है, 1 मिनट 20-30 सेकंड आपके लूंगा और उसके बाद में फिर वापस से चालू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही जलवा, यही जोश, यही जुनून चाहिए अपने को। बहुत जबरदस्त। चलिए बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो बात कर रहा हूं। चलिए बाद में पिएंगे, आगे बढ़ते हैं। फ्लो नहीं टूटना चाहिए। देखो बेटा, ये समझ में आ गया। अब एक एक करके ना इनके बारे में समझेंगे। C3S क्या है, C2S क्या है, C3A क्या है, C4F क्या है। सबसे पहले नोट सुन लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है सर, इंपॉर्टेंट नोट सुनेंगे। लिखा हुआ है टू कंट्रोल द रिएक्शन ऑफ द वाटर विद द सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर के पानी के साथ रिएक्ट करने की को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 3 से 4% मात्रा में जिप्सम मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो क्या लिखा मैंने कि सीमेंट के अंदर लिखा हुआ जगह पे वाटर और सीमेंट क्लिंकर्स के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 3 से 4% मात्रा में क्या मिलाते हैं बेटा? जिप्सम को मिलाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सब कुछ आ रहा है, सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, सब कुछ आएगा, धैर्य रखो। उसके बाद क्या लिखा है सर इसमें? हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, मतलब जल योजन की ऊष्मा। तो देखो, जब आप सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हो, तो सीमेंट के अंदर पानी मिलाने के बाद में, सीमेंट के अंदर पानी मिलाने के बाद में जो हीट बाहर निकलती है, उससे हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ध्यान से सुनना, हीट लिबरेटेड एट मिक्सिंग वाटर इन द सीमेंट इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रेशन। सीमेंट में पानी मिलाने के बाद उसमें से, सीमेंट में पानी मिलाने के बाद उसमें से जो हीट बाहर निकलती है, उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसे हम लोग कहते हैं। दूसरा है हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होती है, मतलब कि जल योजन की प्रक्रिया क्या होती है। तो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद, देखो सीमेंट में पानी मिलाया, तो सीमेंट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, उन सभी के साथ पानी ने रिएक्ट किया, आपस में उन्होंने रिएक्ट किया। सही है बात। उन सभी केमिकल रिएक्शंस को तो बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन प्रोसेस। और उस उन प्रोसेस के टाइम पर जो हीट बाहर निकली, उसे हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। दैट इज नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। आगे लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन एक कैसी प्रोसेस होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एग्जाम में कोई पूछ ले कि व्हाट इज द, तुम्हारे उसमें भी आ सकता है, जनरल साइंस में भी, जीएस में भी पूछ सकता है कि सर व्हाट इज द ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। तो सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि जब कभी भी किसी अभिक्रिया के दौरान जब हीट आपकी बाहर निकलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब किसी भी अभिक्रिया के दौरान जब आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं हीट, कहते हैं, दैट इज नोन एज द, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक, वो होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होती है? वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर हीट जो है बाहर निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर, सबसे पहला देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जाओ मत क्लास से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग यहाँ पे बैठे रहें, बने रहें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है बेटा, बता देना इसके अपोजिट प्रोसेस को ऊष्माशोषी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए ओके क्लियर है, आगे बढ़े आगे। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन में क्या मतलब है। देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीधी, देखो तीन चीजें हैं, पहला हीट ऑफ हाइड्रेशन, दूसरा रेट ऑफ हाइड्रेशन, तीसरा हाइड्रेशन प्रोसेस। देखो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको बोलेंगे हाइड्रेशन प्रोसेस। अब वो जिस रेट से हो रही है, मतलब कि जैसे मैं एक मिनट में देख रहा हूं तो एक मिनट में कितनी तेजी से कोई रिएक्शन हो रही है उसे बोलेंगे रेट ऑफ हाइड्रेशन। तीसरा उन पूरी हाइड्रेशन जो प्रोसेस चल रही है उसमें हीट कितनी निकल रही है उसे बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। कितना सिंपल है, कितना आसान है। ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेटा जब तक चलेगा जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, इसलिए ये मत पूछो क्लास कब तक चलेगा, बेटा जब तक चलता रहेगा बस। ठीक है कब तक नहीं है, चलता रहेगा क्लास। सुनो बेटा एक बार, सबसे पहली बात तो C3 क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, मतलब इसे हम लोग स्लाइड, देखो क्या लिखा है C3A, देखो यहाँ पे ही बता दिया था C3A क्या है बेटा, C3 को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। ठीक है सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्लाइड के बारे में। स्लाइड क्या है सर, यहाँ पे आपका ये, इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। अभी कैसे बना इसमें तो देखें 3CaO, ट्राई का मतलब हो गया तीन, कैल्शियम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है तो यहाँ पे सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का केमिकल फॉर्मूला, इसका बोरहोमन है और ली चैटलियर नेम और साथ के साथ इसका C3 वैल्यू मैं लिख दिया। ठीक है ओके। हाँ बेटा इनिशियल फाइनल सेटिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा, सीमेंट की टेंशन मतलब सभी की। सबसे पहले तो ये कितने परसेंट मात्रा में होता है, तो ये आपका लगभग 4 से 14% मात्रा में होता है, समटाइम्स ये 6 से 12% भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स के अंदर। सबसे पहली बात एग्जाम में क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, दिमाग में फिट कर लो कि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद सबसे पहले बनने वाला कंपोनेंट कौन सा है, केमिकल कंपोनेंट या बॉक कंपाउंड कौन सा है। और कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के अभी तुरंत की तुरंत लिखोगे, तुरंत लिखोगे फर्स्ट और आगे लिखोगे C3A या सिर्फ C3A, जल्दी से लिखोगे सीमेंट में पानी मिलाते ही सबसे पहले बनने वाला कंपोनेंट कौन सा है का आंसर लिखोगे सबसे पहले C3A, आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर भर जाना चाहिए C3A। एग्जाम में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीमेंट में पानी मिलाने के बाद सबसे पहले बनने वाला कंपोनेंट कौन सा है, C3A कंपोनेंट है। आगे सुनेंगे सर इट फॉर्म्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द मिक्सिंग ऑफ वाटर, सीमेंट में पानी मिलाने के 24 घंटे के अंदर बनने वाला जो कंपोनेंट होता है वो है C3A। सबसे पहली बात ये आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कि जैसे तुम सीमेंट में पानी मिलाए, अब तुम ध्यान से सुनना इस बात को, हमने क्या किया था जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की थी तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर उसमें हमने क्या मिलाया था, 3 से 4% मात्रा में जिप्सम मिलाया था, क्योंकि जिप्सम जो होता है, मैंने क्यों मिलाया था उसको, इसलिए मिलाया था सर क्योंकि जो जिप्सम आपके पास में होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है सीमेंट के अंदर, किसका, इनिशियल शेयरिंग टाइम को बढ़ाने का। अगर आपने जिप्सम नहीं मिलाया ना तो सीमेंट में जैसे तुम पानी मिलाओगे ना तो सीमेंट आपका वहीं की वहीं हार्ड हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा कुछ समय में, कुछ मिनट्स के अंदर ही। तो इसलिए सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलाया, तो इसीलिए बोला गया कि ये क्या करता है, ये जो C3 है, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इस लाइन को आप ढंग से पढ़े थोड़ा सा, टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम या सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए C3A इज काउंटर अटैक बाय द जिप्सम। हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे जो हमने जिप्सम मिलाया था ना, ये जिप्सम क्या करता है, इस C3A के ऊपर ना काउंटर अटैक करता है और काउंटर अटैक करके C3A के बनने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। क्या कह रहा हूं मैं, सीमेंट के अंदर जब हमने जिप्सम मिलाया था तो जिप्सम मिलाने से ये सीमेंट के सूखने की प्रोसेस को स्लो कैसे करता है, तो सीमेंट में जब हमने पानी मिलाया घर लाके तो सबसे पहले कौन बना, C3A, तो C3A बना तो ये जल्दी सूख जाएगा अगर तुमने जिप्सम नहीं मिलाया होता मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो अगर तुमने मैन्युफैक्चरिंग मिलाया है तो यही जिप्सम क्या करता है, इस C3A के ऊपर अटैक करता है और अटैक करके सीमेंट के सूखने की प्रोसेस को या C3A के सूखने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों ये आपका IST और FST के लिए जिम्मेदार होता है। बात क्लियर है, आगे सुनेंगे, ये आपका सभी अनडिजायरेबल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सीमेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए कौन जिम्मेदार है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपका कौन जिम्मेदार है भाई साहब, आपका C3A जिम्मेदार है। ठीक है, कौन जिम्मेदार है, सीमेंट की इनिशियल जो आपके पास में अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए अवांछनीय है। अनडिजायरेबल का मतलब समझते हो ना बच्चे, अनडिजायरेबल का मतलब होता है अवांछनीय, अवांछनीय प्रॉपर्टीज के लिए, गुणधर्मों के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका C3 जिम्मेदार है। आगे सुनेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखा हुआ है कि यदि परसेंटेज ऑफ C3A इज लेस तो सल्फेट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज्यादा, मतलब कि यदि किसी सीमेंट के अंदर C3A की मात्रा कम है तो वहां पर उसकी सल्फेट से अटैक करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। क्या बोलो, सीधी भाषा में सुनिए, यदि सीमेंट के अंदर C3A का परसेंटेज कम है तो सीमेंट की सल्फेट को अटैक करने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब? जब C3A कम होगा। दूसरी चीज, यदि जैसे एक सीमेंट होता है, तो मैं अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ही बताओ, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट जैसे हम लोग SRC कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग SRC सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट बोलते हैं। इसके अंदर C3A की मात्रा, अब नाम से पता चल रहा है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का मतलब होता है ऐसा सीमेंट जो सल्फेट के अटैक को रोकता है, उसे हम लोग कहते हैं सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो यहाँ पे एक क्लियर सी बात है कि सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां C3 की मात्रा को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है C3 की मात्रा जितनी कम होगी सल्फेट को अटैक करने की क्षमता उतनी बढ़िया होगी। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई C3A की अटैक करने की क्षमता बना के लिए एक सीमेंट बनाया गया सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, और उसके अंदर C3 की मात्रा कभी भी आपकी किससे कम नहीं होनी चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है मैक्सिमम होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से देखना कितने क्वेश्चन बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी होती है सर? ये आपके पास में होती है 865, यहां पे लिखना है मुझे 865 जूल पर ग्राम आपके पास में वैल्यू होती है। कितना बढ़िया लिखा मैंने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे भाई, 4 से 14% रिवाइज कर लेता है। 4 से 14% मात्रा में होता है, पानी मिलाने के 24 घंटे में बन जाता है। सबसे पहले बनने वाला कंपोनेंट है। फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जिम्मेदार होता है। फ्लैश सेटिंग के लिए, फ्लैश सेटिंग भी इसके कारण से होगा। दूसरा लिखेंगे अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो जिप्सम C3A के ऊपर काउंटर अटैक करता है। C3A जितना कम मात्रा में होगा सल्फेट अटैक करने की क्षमता उतनी ही बढ़िया होगी। यदि तुम्हें सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को C3A की मात्रा कभी भी 5% से ज्यादा नहीं रखनी। साथ में हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है C3A के अंदर, मतलब कि जब C3A में पानी मिला जाएगा तो उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है। और कितनी निकलती है? तो 865 जूल पर ग्राम निकलती है। ये आपका C3A याद रखना है बेटा, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका दैट इज द C4AF, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात है क्या है सर? इंपॉर्टेंट बात यह है आपके पास में, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, फॉर फ्लैश सेटिंग। ठीक है भाई, फ्लैश सेटिंग के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में कौन जिम्मेदार होता है? तो C3A ही जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना। फ्लैश सेटिंग के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में, हालांकि C4AF भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे कोई, ध्यान रखना C3A सबसे ज्यादा मात्रा में जिम्मेदार होता है। किसके लिए? फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट पॉइंट आपका C4AF। क्या लिखा मैंने? C4AF आपका 10 से 18% मात्रा में लगभग होता है, और SSC के अकॉर्डिंग मानू मैं तो 6 से 10% मात्रा मौजूद होता है। ठीक है, ये भी आपका 24 घंटे, पानी मिलाओगे उसके तुरंत बाद 24 घंटे में बन जाएगा। आगे लिखा है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग, ये आपका फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये माइनरली ये आपका जिम्मेदार है। और अगर मैं मेजरली बात करूं तो मेजरली ये जिम्मेदार है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। माइनरली कौन जिम्मेदार है आपका? C4AF। और मेजरली कौन जिम्मेदार है? C3A जिम्मेदार। आगे देखेंगे ये फ्यूजन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के फ्यूजन के लिए मतलब आपस में इनका कॉम्बिनेशन, आपस में बढ़िया मजबूती बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? C4AF। आगे लिखा हुआ है ये आपका इट हैज द लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेस है। अब कितना है आगे आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, लेस है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है। ठीक है, लेस है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है। ठीक है बेटा, चलो लगभग कितना होता है? 400 के आसपास की हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। चलो आगे बात करूंगा इसके बारे में, तो एक टेबल बना रखी पूरी मैंने। नेक्स्ट आपके पास में C3S, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पॉइंट। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या लिख रहा है इसमें। ये आपका 45 से 65% मात्रा में होता है। कितना होता है? 45 से 65% मात्रा में मौजूद होता है। आगे लिखा हुआ है आपके पास बेटा फ्लैश सेटिंग क्या होती है? सीमेंट में पानी मिलाते ही अगर कुछ मिनट के अंदर वो सूख जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज द फ्लैश सेटिंग। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? फ्लैश सेटिंग उसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 45 से 65% सबसे ज्यादा मात्रा में, ये मैक्सिमम मात्रा में मौजूद होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट फॉर्म्स विद इन अ वीक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि ये आपका पानी मिलाने के एक वीक में बनके तैयार होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ, प्रारंभिक जो आपके पास में स्ट्रेंथ आती है, और प्रारंभिक स्ट्रेंथ का कोई पूछ भी ले तो 7 डेज स्ट्रेंथ। मैंने हर एक उस चीज को लिखा है बेटा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, मतलब कि 7 दिन की स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है। कौन होता है? 7 डेज की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। बेटा क्लास पूरी हुई नहीं, बच्चे देख रहे हो 1050 से बच्चे 864, मतलब 200। या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, या फिर आपको कोई कंटेंट काम का नहीं लग रहा। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको क्रैश कोर्स में बहुत कम कंटेंट दिया जाता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ओके चलिए बेटा, परसेंटेज के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर अलग अलग भी लिखा हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, तो है ना, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। बेटा कलर वलरों पे ध्यान मत दो, पेन वेन के कलरों पे, पढ़ाई पे ध्यान दो। सब कुछ विजुअल है, 1000 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो तुमको जब 1000 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे। क्या लिखा हुआ है? इट फॉर्म्स विद इन ए वीक, ये एक वीक के अंदर फॉर्म होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है इट इफ द परसेंटेज ऑफ द C3A इंक्रीज, यदि C3A की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है किसी जगह पे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी वहाँ पे बढ़ जाता है। और यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है लगभग 500 होता है। कितना होता है बेटा? 500 जूल पर ग्राम यहाँ पे माना जाता है। इसके लिए, किसके लिए बेटा? C3S के लिए। अगर मैं बात करूँ तो आपका कितना माना जाता है? दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन, HOH की वैल्यू जो होती है वो 500 जूल पर ग्राम मानी जाती है। ठीक है, पर ग्राम आपकी मानी जाती है। ओके, क्लियर है सभी को? ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपे पूछे जाएंगे। ओके चलिए, और देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही, लेकिन इस जगह से बहुत ही ज्यादा आप लोगों को एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, कोई फालतू बात इस जगह पे नहीं है। ठीक है, ओके चलिए चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दैट C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? ये आपका, जैसे अभी मैंने बताया, ये आपका इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। कौन? C3S इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, मतलब 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। और ये आपका किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? ये आपका फाइनल स्ट्रेंथ के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रिस्पॉन्स, पहले इसी को पढ़ लो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा सर ये आपका लेटरल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं? फाइनल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि इनमें से अल्टीमेट बोलो, लेटरल बोलो, फाइनल बोलो, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब इन सभी के लिए क्या है बेटा? जिम्मेदार है। बिल्कुल बेटा, पीडीएफ मिलेगा, ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का। ठीक है, चलो तो समझ में आई कहानी आपको। पहली बात तो इसकी परसेंटेज देखेंगे तो 15 से 35% मात्रा में मौजूद होता है। मैंने आपको बताया था ये आपका क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा आगे कहीं पे, सेकेंड मेन कंपोनेंट लिखा हुआ है। इट इज द सेकेंड मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट का सेकेंड मेन कंपोनेंट है। इट फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट का पूरी तरीके से सूख गया, सूखने के बाद में सीमेंट हार्ड हो गया, उसके बाद धीरे धीरे साल तक आपका क्या बनता रहता है? C2S बनता रहता है। और सीमेंट को क्या करता है? ये आपको फाइनल स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में मदद करता है। अब एक एक करके समझेंगे। पहले क्या लिखा हुआ? 15 से 35% में ये सीमेंट के हाइड्रेशन के टाइम पर बनता रहता है, साल तक, एक साल तक बनता रहता है। ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, लेटरल स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ या फिर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। एक ही चीज है, मतलब जैसे C3S आपका किसके लिए जिम्मेदार होता है? इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए। और जो आपका C2S होता है वो आपका फाइनल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखाएंगे, इट गिव्स द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द फ्रीजिंग एंड थॉइंग। यहां पे लिखा हुआ है फ्रीजिंग और थॉइंग के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है, देखो जैसे कंक्रीट है या सीमेंट मान लो आप, उसके अंदर जब पानी आपका जमता है ना, तो उस पानी के जमने को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, और उसी पानी के पिघल जाने को हम लोग बोलते हैं थॉइंग। तो फ्रीजिंग और थॉइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज द C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका सेकंड मेन कंपोनेंट है। पहला मेन कंपोनेंट कौन सा था? जस्ट 1 मिनट। पहला मेन कंपोनेंट आपके पास कौन सा था? 1 मिनट। हाँ जी, पहला मेन कंपोनेंट कौन सा था आपके पास में? ये था आपके पास में C3S। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द फर्स्ट मेन कंपोनेंट। फर्स्ट मेन कंपोनेंट कौन सा था आपके पास में? दैट इज द C3S। और सेकंड मेन कंपोनेंट कौन सा आपका? C2S है। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट C3S के लिए नहीं होता फ्रीजिंग एंड थawing, बट अब दोनों के लिए होता है, दोनों ही C3S और C2S जो होते हैं दोनों ही आपके जिम्मेदार होते हैं फ्रीजिंग और थॉइंग के लिए। यहाँ पे भी सही है और यहाँ पर भी सही है। फ्रीजिंग और थॉइंग के लिए C3S भी जिम्मेदार होता है और C2S भी जिम्मेदार होता है। आगे सुनेंगे बेटा क्या लिखा हुआ, इट गिव्स द मिनिमम हीट ऑफ एडिशन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसी में होती है और सबसे कम रेट ऑफ हाइड्रेशन भी इसी के अंदर होती है। ध्यान रखेंगे इस बात का, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अभिषेक भाई? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, यहाँ पे आपको मैंने क्या बता रखा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बता रखी है। जैसे कि C4F जस्ट सबसे अब मैक्सिमम किसकी थी, C3A की थी, मैंने लिख रखा है हाइएस्ट, और C2S के लिए लिख रखा है मैंने लोएस्ट। तो देखो एक बार, यहाँ पे आपके पास 3 दिन 90 डेज ऑफ फाइनल, 390 फाइनल, 390 फाइनल, 390 फाइनल, 390 फाइनल। ठीक है, जैसे कि C3 सबसे ज्यादा था तो यहाँ पे फाइनल जो स्ट्रेंथ हुई वो 865 जूल पर ग्राम आपके पास वैल्यू रही। उसके बाद जैसे यहाँ पे C2S की सबसे कम थी तो 260 जूल पर ग्राम, फाइनल वाली देख रहा हूँ सिर्फ मैं, बाकी आप यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद C3S की देखोगे तो सेकंड नंबर पे होती है, ठीक है, और उसके बाद में C4F की देखोगे तो 420 जूल पर ग्राम आपकी वैल्यू होती है। अब इसको सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो सीक्वेंस अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो सीक्वेंस देखो कैसे बनेगा, हालांकि आगे सारे सीक्वेंस बता रखे हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में किसका बना भाई, C3A, उससे कम आपका किसका C3S का, उससे कम किसका C4AF का, और सबसे कम किसका आपका C2S का। तो बेटा ये वाला जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, याद हो गई? बहुत बढ़िया, सिंपल तरीके से याद हुआ। ओके, क्लियर है सभी को? बढ़िया है, सही है एकदम सभी को, बहुत बढ़िया। तो ये आपको याद रखना है, यहां से सीक्वेंस भी समझ में आ गया। कंटेंट में क्या दम है वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कंटेंट कैसा है, दम है कि नहीं। क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ा है बेटा, कितने क्वेश्चन बने हैं वो भी आप एक बार यहां पे मुझे बता सकते हो। एसी चला दो यार, ठीक है, जल्दी से बता देंगे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखो इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहले लिखा है इफ वी वांट टू इंक्रीज द इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, यदि मुझे सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। क्या कह रहा हूं मैं, यदि मुझे सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में बेटा, क्वेश्चन के आधार पर पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं। ध्यान से अगर तुम देखोगे ना तो हर एक लाइन में क्वेश्चन है, कोई सी लाइन पढ़ लो आप, पूरे नोट्स की कोई सी भी लाइन पढ़ लो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सिंगल एक भी ऐसी लाइन नहीं होगी जहां से क्वेश्चन नहीं बनना होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे, पढ़ेंगे बेटा। ओके, डीप ले रहे हो बेटा, कंटेंट आजकल जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तेल निकाल के रख देंगे क्लास के अंदर जब बैठोगे, इसलिए कंटेंट में दम ही होना चाहिए और डीप ही पढ़ो तो ही बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट। और सभी ने टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी से बताना मुझे, ये रहा टेलीग्राम चैनल। चलिए बढ़ते आगे, सबसे पहले क्या लिखा है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द इनिशियल स्ट्रेंथ, यदि मुझे इनिशियल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो देखो इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार था बेटा, C3S जिम्मेदार था, तो C3S को बढ़ा दो। यदि मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ाना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार था बेटा, आपका C2S जिम्मेदार था, तो किसको बढ़ा दो, C2S को बढ़ा दो। आगे लिखा हुआ है ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वेटेज, मतलब कि वेटेज मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर सबसे कम, फिर उससे कम, उससे कम, इस मात्रा में देखें यदि हम लोग तो कैसे है। तो देखो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन, C3S, उससे कम मात्रा में कौन, C2S, फिर उससे कम मात्रा में कौन, C3S, सबसे कम मात्रा में कौन, C4F। ये आपका सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है बेटा, ये आपका वेटेज का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है बेटा, ये आपका है वेटेज का सीक्वेंस। सबसे ज्यादा मात्रा में जैसे 35 से 65%, 15 से 35% या 45 से 65 भी बोल सकते हो। C3 आपका आ गया लगभग 4 से 14, हम उसको जनरली देखें तो आपका लगभग 12 से 18% तक हो जाता है, और ये आपका लगभग 6 से 10% तक होता है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद लिखा है केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके आधार पर यदि मैं देखूं तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जब होती है सबसे पहले कौन बनता है आपका, C3A बनता है, उसके बाद C4A, फिर C3S, और लंबे समय तक कौन बनता रहता है, C2S बनता रहता है। ठीक है, चलो ओके हाँ, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास में, ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, C3A, C3S, C4F और C2S। अब देखो जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था, रिसेंटली इसके बारे में हमने अभी बात करी थी, कि सर हीट ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो किसके अंदर होती है, एक मिनट, सबसे ज्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो आपके पास किसके अंदर होती है, इन द C3A, और सबसे कम जो होती है वो होती है C2S के अंदर। ठीक है, रिसेंटली अभी आपको बताई थी, वहीं से आपका क्वेश्चन लिया गया, जैसे आपको अभी बताया था यहाँ पे ये बना रखा C3A, C3S, C4F और C2S। इसको आप चाहे तो डेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, तीन दिन पे अगर मैं देखूंगा 3 डेज के लिए, यहाँ पे दे रखा है 90 डेज के लिए। तो देखो एक बार यहाँ टेबल में जाना, जैसे मैंने अभी फाइनल के लिए एक कंक्लूजन निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है, फाइनल के लिए कंक्लूजन निकाला था, सेम ऐसी आप चाहो तो यहाँ पे 90 डेज के लिए कंक्लूजन निकाल सकते हो, 3 डेज के लिए निकाल सकते हो। तो 3 डेज का जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो आपके पास कुछ इस तरीके से है 3 डेज का, कि 3 डेज देखो ऑब्वियस सी बात है C2S की सबसे कम होगी और C3A की सबसे ज्यादा होगी, इस बात को दिमाग में फिट कर लें। तो देखो C3A की सबसे ज्यादा और C2S की सबसे कम, यहां पे भी ऐसा ही है और यहां पे भी ऐसा ही है और यहां भी ऐसा ही है, लेकिन बस ये वाली आपकी कैसी है बेटा, ये आपकी जो वैल्यूज है ये आपकी फाइनल वैल्यूज है, दीज आर द फाइनल वैल्यूज, और ये जो आपकी वैल्यूज है ये आपकी 3 दिन की वैल्यूज है और ये जो आपकी है 90 डेज की वैल्यूज है, ठीक है ना, समझ में आ गया। लास्ट में है बेटा रेट ऑफ हाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में देखो सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो होती है आपकी C4AF के अंदर। किसमें होती है रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है आपकी C4AF के अंदर, उससे कम जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो आपकी किसके अंदर होती है, इन द C3A सबसे कम होगी। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोली थी मैंने, आपको उसके ऊपर आ जाता हूं मैं, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम किसमें होंगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है आपके पास वो किसमें होंगी बेटा, वो आपके पास में होंगी C2S के अंदर, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो एक बार इस टेबल इस वाले सेक्शन में कि यहाँ पे आपको सबसे कम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा C2S में रेट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम और C2S के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये भी मिनिमम है इस जगह पे और इसमें भी ये कंडीशन में मिनिमम है, ठीक है। यहां से इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बेटा यहाँ पे आपको बॉग कंपाउंड में से इतने सारे क्वेश्चन है, बॉग कंपाउंड कैसे हुआ, कैसे बना आपका, ठीक है, बॉग कंपाउंड क्यों नाम दिया गया और कौन कौन था, एलाइड ब्लाइड स्लाइड फ्लाइट के बारे में, मेन कंपोनेंट कौन से हैं, सेटिंग टाइम के लिए कौन जिम्मेदार है आपका, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जिप्सम क्यों मिला रहे हैं, किस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है आपका, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है और एक्सो ये कैसी एक प्रोसेस होती है, कैसी एक अभिक्रिया होती है। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट से इतने सारे क्वेश्चन आपके हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, C4AF से आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, 5-7 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन के क्वेश्चन, फिर ये बहुत सारे क्वेश्चन। अब आगे आ गया पानी की आवश्यकता, क्या आगे बेटा पानी की आवश्यकता, ध्यान से पढ़ते हुए जाओ, अगर आज पूरा नहीं होगा तो कल पूरा करूंगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर थोड़े छोटे हैं, तो हो सकता है कि कल ये चैप्टर कंप्लीट करूं लेकिन आज जितना हो सकता है उतना पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 23% वेट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब सबसे पहले बोला गया है कि पानी की आवश्यकता कितनी है सीमेंट के अंदर, सीमेंट का एक पेस्ट बनाने के लिए प्रॉपर पानी की कितनी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग 23% पानी मिलाते हैं, जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। तो लिखा है 23% वाई द वेट ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले वेट ऑफ सीमेंट का 23% पानी सबसे पहले मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में टोटल 38, फिर धीरे धीरे पानी मिलाते हुए जाते हैं और 38% जो पानी होता है उस पर ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है या फिर जो आपकी हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है पूरी तरीके से एक अच्छा पेस्ट बनता है। और हाइड्रेशन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर आप लोगों को 38% पानी मिलाना पड़ता है। कंप्लीट BMC पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को टच करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और देखो ये जो प्रोसेस है वो ऐसे चल रहा है, पहले हम लोग क्रैश कोर्स कराएंगे, क्रैश कोर्स कराएंगे आपको, क्रैश कोर्स के बाद में आपका PYQ सेशन रहेंगे, PYQ जैसे क्लास आपकी 10 दिन चलेगी, 10 डेज, ठीक है। ये जो क्लास है आपकी BMC की 10 डेज, फिर और दूसरी 10 डेज, उसके बाद PYQ के बाद में आपके फॉर्मूला रिवीजन चलेगा, फॉर्मूला बुक का रिवीजन, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपके पास में क्या होगा, मॉक बनेंगे, मॉक फुल लेंथ मॉक भी चलेंगे यूट्यूब के ऊपर ही। तो कंप्लीट है, यहीं से पढ़ो, जो है वो है, ठीक है, आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इसको लिखा रहने देते हैं, ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो देखो बेटा 23% पानी सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, और फाइनल आपके पास में जब आप टोटल यहाँ पे 38% पानी मिला देते हो तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में दैट इज 23% वाटर इज रिक्वायर्ड, 23% वाटर जो होता है वो क्यों मिलाया जाता है, C3S और C2S के हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। और 15% जो पानी होता है वो आपका इस पूरे के पूरे सीमेंट के पेस्ट को प्रॉपर पेस्ट फॉर्म में या फिर कहोगे सारे वॉइड्स को फिल करने के लिए बनाया जाता है। तो जो टोटल 38% पानी है, जिसमें से 23% पानी C2S और C3S के हाइड्रेशन के लिए और 15% पानी वॉइड्स को फिल करने के लिए हम लोग बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है जनरली सीमेंट एब्जॉर्ब 2% हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब यहाँ पे हाइड्रोस्कोपिक वाटर का मतलब ये होता है, ये हाइग्रो है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब होता है कि मौसम जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो नमी मौजूद है उस नमी को कितना खींच रहा है आपका सीमेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा बेटा। ठीक है, चलिए तो हम क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं सीधी सी बात करेंगे कि सीमेंट 2% हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एब्जॉर्ब करता है। हाइग्रोस्कोपिक समझ में आ गया, आसपास जो वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करता है। यदि यहीं पर ये आपका 5% पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस केस में आपका जो सीमेंट है वो यूजलेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा, वो आपका यूजलेस माना जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर, तो यहां से इतनी चीजें आपको याद करनी है, ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर और जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में देखेंगे। देखो मैंने बेटा क्लियर कर दिया, 2 घंटे अगर जो बच्चा बैठ के 2-3 घंटे क्लास के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकता बेटा, एसएससी जेई तो छोड़ो, तुम कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। जिस बच्चे की कंसिस्टेंसी ही नहीं है ना, वो बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके अभिनव शर्मा सर भी आपकी तारीफ करते हैं, नाइस सर, ओके थैंक यू सो मच, और उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। चले आगे बढ़ते, क्या लिख रहा है इस जगह पे, द मेजर कंपाउंड इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ आर, कौन से हैं। 30 सेकंड का टाइम आपके लिए, आंसर दोगे जल्दी से, आंसर निकाल के बताइए। पहला लिखा हुआ है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राइट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, और इसके बाद लिखा हुआ है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और लास्ट में लिखा है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। आंसर बताएंगे भाई साहब जल्दी से, जल्दी से। टाइमिंग बेटा डेली आपकी टाइमिंग जो है वो 8 से 10 बजे तक टाइम होती है, लेकिन जनरली हम इसको 11 बजे तक लेंगे। ठीक है, क्या होती है बेटा, 8 से 10 बजे तक क्लास होती है सुबह। ठीक है, डेली क्लास होगी। ओके जल्दी से इसका आंसर बताएंगे बेटा, क्या आंसर आएगा आपके पास में, क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया आप लोगों ने। क्या आंसर आएगा बेटा, मेन कंपोनेंट जो कि स्ट्रेंथ के लिए, किसके लिए जिम्मेदार है, स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। तो एक जिम्मेदार है इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, एक है फाइनल स्ट्रेंथ के लिए। फाइनल जो आंसर आएगा आपके पास में वो ए आंसर होगा, डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। 97% बच्चों ने आंसर सही दिया, फिर भी कुछ बच्चे इतने अभी भी नालायकी कर रहे हैं, क्लास के अंदर पढ़ने के बाद भी इसका आंसर गलत दे रहे हैं। इसका आंसर बेटा यहाँ पे 1.79 नहीं होगा। ठीक है, 1.7% बच्चों ने आंसर दिया इसका, बहुत कम बच्चों, कुछ बच्चों ने सी आंसर भी दिया। भाई बच्चों अभी तो बताया डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपके पास स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। एक आप C3S आपका इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, C2S आपका फाइनल स्ट्रेंथ के लिए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बॉक कंपाउंड हैज द मैक्सिमम परसेंटेज बाय द वॉल्यूम इन द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। मतलब कि मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम मात्रा में इनमें से कौन सा बॉक कंपाउंड मौजूद होता है। क्या लिखा है, विच ऑफ द सीमेंट हाइड्रेशन है आपका, हाइड्रेशन में इन 4 बॉक मिश्रणों में से किसकी मात्रा का प्रतिशत आयतन में सबसे ज्यादा है। जल्दी से दिखाएंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा बेटा। पहला लिखा है एलाइट, बिलाइट, स्लाइड, फ्लाइट। अब देखो नाम भी कितना बढ़िया लगा, एलाइट के बगल में C3S लिख दिया, स्लाइड के बगल में साइड में आपका C3 लिख दिया, फ्लाइट के बगल साइड में आपका C4 है और बिलाइट के साइड में आपका C2S लिख दिया। कई बार ऐसी गलतियां भी करेंगे बच्चे, कई बार ऐसा होगा भी। कैसा होगा सर, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे एक ऑप्शन मान लो दे दिया आपका ऑप्शन ए, जिसमें लिख दिया आपका आंसर, जैसे क्या दिया आप लोगों को पता है इसका आंसर है C3S। तो एक दे दिया यहाँ पे जिसके साइड में लिखा है यहाँ पे C3S और साइड में पता क्या लिख रहा है, साइड में लिख रखा है बेलाइट, और एक तरफ यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन बी, एक तरफ लिख दिया C3S और ऑप्शन सी लिख दिया आपका C4AF, एक तरफ ऑप्शन लिख दिया डी जिसका नाम है C3A। आंसर बताओ इसमें से, एक बार ये वाला आंसर आपने बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए आंसर C3S, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो कुछ बच्चों ने अभी भी इसका आंसर गलत दिया। बेटा मैंने पूछा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मौजूद होता है, ना कि सबसे ज्यादा पहले कौन रिएक्ट करता है, ये नहीं पूछा। कंफ्यूज मत हो, बहुत सुंदर तरीके से आंसर दो। ये रहा, अगर मान लो इसी जगह पर ये क्वेश्चन ना होकर के ऑप्शन आपके ये 4 होते, C3S, C3 और बीच साइड में ब्लाइट, फिर C3S, C4F और C3A, तब आंसर क्या देते भाई आप लोग। अभी भी कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। बेटा ए आंसर देते ही गड़बड़ हो जाएगी, ए आंसर देते ही सारा खेल खत्म है ना। 2 ऑप्शन सेम दिए बेटा, 2 ऑप्शन सेम है ही नहीं, तुम ध्यान से पढ़ो तो सही इसको, क्योंकि बेटा साइड में यहां पर क्या लिख दिया मैंने, मैंने यहाँ लिखा C3S बेलाइट, ब्रैकेट में यहाँ लिखा C3S, यहाँ लिखा C4F, यहाँ लिखा C3A। बेटा आंसर इसका B आएगा, कभी A आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि C3S को तो सर एलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एलाइट कहते हैं, बेलाइट नहीं कहते हैं। यह हुआ बढ़िया क्वेश्चन, जहां पे आप लोग मूर्खता करके आओगे, 2 मिनट में क्वेश्चन को गलत करोगे। और 2 मिनट में जो बच्चा क्वेश्चन गलत कर रहा है इसका मतलब ध्यान से पढ़ के नहीं गया, पाठक सर की क्लास अटेंड नहीं करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास में एक बोनस क्वेश्चन बताया मैंने, बोनस पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बचना है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनरली ए कंपाउंड ऑफ द सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, इन या कंक्रीट बोल रहे हैं, सीमेंट बोल रहे हैं, बोला है इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया था, अभी के अभी याद कर लो इसको। देखो बच्चे यहाँ पे आपके पास 30 सेकंड का टाइमर है, इनमें से कौन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट, सीमेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? सीमेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है, ये आप मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दो भाई लोग, एकदम तुरंत जबरदस्त तरीके से बता दो, इनमें से कौन जिम्मेदार है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट के लिए, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है, जल्दी से प्लीज आप मुझे बता दीजिए। चलिए आपने आंसर दिया क्या, C3 आंसर दिया क्या बच्चों ने? C3, बहुत बढ़िया, C3 इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं एक बार 57%, अभी भी गड़बड़ कर दीजिए। चट देखो एक बार, तुम क्या मैं नाक कटा के आओगे तुम? देखो एक बार C3A क्या लिखा है बच्चे, क्या लिखा है, और लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी है। क्या लिखा मैंने? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, लिखा कि नहीं लिखा C3A के अंदर? तो आंसर क्या आना चाहिए था प्यारे बच्चों, आंसर आना चाहिए था सर C3A इसका सही आंसर होता। क्या होता? C3A सही आंसर होता। कैसे मूर्खता कर रहे हो भाई, कैसे गड़बड़ कर रहे हो? ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा बाबू, बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट पे तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 3 से 5%, 1 से 2, 3 से 6, 2 से 4%। कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी सूझबूझ समझदारी से आंसर दोगे तो समझ में आएगा। मैंने बताया था जनरली 3 से 4%, मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 5% चला जाएगा, 6% नहीं जाता है। तो ये वाला तो वैसे गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 3 से 5% में हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इसी वजह से इसका आंसर ए जो होगा वो सही होगा। सभी ने आंसर सही दिया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार और आ जाने, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में दिल बिल सब आ जाने चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखा हुआ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट इन अ रोटरी किल द क्लिंकर फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन द टेंपरेचर रेंज बिटवीन। जब टेंपरेचर किस किस के बीच में होगा तो फाइनली आपके पास वैल्यू बनेगी। तो जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कितनी परसेंटेज होना चाहिए, तो 1400 से 1500 आपके पास में होना चाहिए टेम्परेचर। बी इज द करेक्ट आंसर। जब आपके क्लिंकर बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा? क्लिंकर्स बनते हैं। जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जल्दी से बता दो, आज पहला क्लास है इसलिए माहौल बनाना जरूरी है। कल से आप मेरी स्पीड पकड़ लेना, मैं आपकी स्पीड पकड़ लूंगा, मजा आएगा क्लास के अंदर, ठीक है ना। ये हुई ना बात, बहुत ही बढ़िया। चलो और बेटा जितने कह रहा हूं 1000 बच्चे क्लास के अंदर बैठे, नाक मत कटवा देना, 1000 की यार बैठना। मैं कह रहा हूं सभी को, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले तो गारंटी देता हूं ऐसा कंटेंट कहीं पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं पेड क्लास के अंदर भी कहीं आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, इस बात की फुल गारंटी है। हर टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, इसके अलावा PYQ भी सोल्व कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लोगे तो वो भी बोल लूंगा, लेकिन आप लोगों को क्लास में टाइम पर आना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा हूं आपको, इस बात का ध्यान रखना है कि क्लास में आप लोगों को कब आना है, क्लास में आप लोगों को टाइम पर आना है, ठीक है ना। क्लास में आप लोगों को टाइम पर आना है, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डाई कैल्शियम सिलिकेट। कितना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। चलो वो पोल दे देते हैं इसके लिए 30 सेकंड का। आपको क्या लिखा है सर, डाई कैल्शियम सिलिकेट पहला तेजी से हाइड्रेट होता है, दूसरा जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तीसरा हार्डन्स रैपिडली, चौथा प्रोवाइड लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। जल्दी से बताएंगे आंसर, जल्दी से आंसर बताओगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलती होगी यहाँ पे, गलती होगी इस जगह पर, फुल गारंटी के साथ कहता हूं गलती करोगे, लेकिन गलती करोगे इससे पहले बचने का उपाय ढूंढ लो। गलती करोगे, मैं बता रहा हूं आपको, अभी भी कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो और बताओ आंसर क्या लिखा है। सर लिखा हुआ है डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, पहली बात तेजी से हाइड्रेट होता है, नहीं तेजी से कौन हाइड्रेट होता है, C3A हाइड्रेट होता है। उसके बाद ये तो 7 दिन में बनता है और ये 1 साल तक बनता रहता है, तेजी से हाइड्रेट नहीं होता, ये गलत। दूसरा लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, बिल्कुल सही बात है। चौथा तेजी से हार्ड हो जाता है, नहीं साल भर तक आपका धीरे धीरे हार्ड होता है, लास्ट में गलत। चौथा लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, गलत, क्योंकि ये मेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम किसका है, C2S का। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, और गारंटी देता हूं बेटा ऐसा कंटेंट आप लोगों को इससे पहले कभी नहीं मिला होगा, इस बात की फुल गारंटी देते हैं। एक और चीज, जबरदस्त चीज आप लोगों के लिए, वापस से एक मोटिवेशन होना चाहिए ना, मजा आना चाहिए क्लास के अंदर, माहौल होना चाहिए। और माहौल के नाम पर ये लिखा हुआ है माई ओनली कॉम्पिटिटर इज द पर्सन आई वॉज यस्टरडे। मेरा ओनली कॉम्पिटिशन वो है जो कि मैं कल था। किससे कंपटीशन है मेरा, माय ओनली कॉम्पिटिटर, मेरा एक ही कॉम्पिटिटर है और वो कौन है, वो मैं खुद हूं। और मैं खुद कौन सा वाला, जो मैं कल था। मतलब कि हर एक दिन मुझे कल बेहतर बनाना है अपना। जब मैं अगले दिन खुद से मिलूंगा तो मैं पिछले हुए बीते हुए कल से बेहतर मिलूंगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ओके, नहीं मिलाना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। चलिए, एक किस किस को मजा आया कि आग लगना चाहिए, कमेंट बॉक्स में दिल विल सब भर जाने चाहिए। ऐसी खतरनाक सी बात सुन के मतलब जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मैंने बीच बीच में डाला है ताकि आपको मजा आए, ताकि आपको लगे कि यार कुछ चल रहा है, कंटेंट एकदम दम आ रहा है कंटेंट के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, जैसा फील्ड टेस्ट या क्षेत्र परीक्षण। क्या बोला हमने, फील्ड टेस्ट या क्षेत्र परीक्षण। मतलब कि क्षेत्र के अंदर या फील्ड के अंदर हम लोग जो सीमेंट के टेस्ट करते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। जल्दी से बताएं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए बढ़े आगे। चलो सबसे पहले देखें बेटा, सबसे पहले क्या होता है, सीमेंट को फील्ड में यदि मुझे चेक करना है कि सीमेंट बढ़िया क्वालिटी का है या फिर नहीं है, सीमेंट आपका बढ़िया क्वालिटी का है या सीमेंट बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सीमेंट शुड हैव द यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे कलर या कलर टेस्ट। मतलब सिंपली बोला जा रहा है कि सीमेंट जो है आपका, उसका एक यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए, जैसे हम लोग कलर टेस्ट कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सीमेंट का एक यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए, जिसे हम लोग कलर टेस्ट कहते हैं, ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लंप्स। लंप्स का इसको लंप टेस्ट बोलते हैं, मतलब सीमेंट में गांठें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, सीमेंट के अंदर गांठें नहीं पड़ी होनी चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है, सीमेंट को यदि तुम हाथ में लेके फिंगर्स के बीच में इस तरीके से रब करते हो तो सीमेंट आपको स्मूथ फील होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंट के बैग में यदि आप लोग हाथ डालते हो तो आपके हाथ में ठंडा फील होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि आप लोग एक स्मॉल क्वांटिटी लेकर के हाथ में सीमेंट की और उसको एक पानी से भरी हुई बाल्टी में डालते हो, फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो सीमेंट के पानी के अंदर वो सीमेंट आपका डूब जाना चाहिए, सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए, तैरना नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और भाई टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो आप लोग यहां पे, मैं एक साथ कनेक्ट रहूंगा हमेशा आगे लंबे समय तक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखा हुआ है थ्रो स्मॉल क्वांटिटी, लिखा है फिर उसके बाद में व्हेन ए पेस्ट ऑफ सीमेंट। जब हम लोग सीमेंट के पेस्ट को हाथों के बीच में, फिंगर्स के बीच में इस तरीके से जब रब करते हैं, पेस्ट की बात करूं, पहले मैंने बात की थी सीमेंट को यदि हम लोग फिंगर्स के बीच में रब कर रहे हैं तो स्मूथ फील होना चाहिए सीमेंट के पाउडर को। और यदि सीमेंट के पेस्ट को यदि हम लोग रब कर रहे हैं तो चिपचिपाहट यानी कि स्टिकी फील होना चाहिए, चिपचिपा फील होना चाहिए, इस बात के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन ए पेस्ट ऑफ द सीमेंट इज रब्ड बिटवीन फिंगर, मतलब पेस्ट को यदि रब कर रहे हो तो चिपचिपाहट वाला फील होना चाहिए, यह बात तो आपको ध्यान रखनी। अब नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताया तो यहीं पर लिख देता हूँ इस चीज को कि यहाँ पे अगर आप लोग जी आई शीट पर सीमेंट को रखकर, ये भी एक टेस्ट है भाई, सीमेंट को रखकर कुछ समय जलाने के बाद, जलाने पर यह अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने आप लोगों को कि सीमेंट को यदि आप एक जीआई शीट के ऊपर रख करके क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। मैंने क्या बोला, बहुत सुंदर सी एक बात बोली कि सर सीमेंट को यदि एक जीआई, बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें करता हूं, यहाँ पे ढेर सारा कंटेंट भी डिलीवर हो सकता है, नोट्स भेजे जा सकते हैं, बड़ी फाइल्स भेजी जा सकती हैं और यहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें। चलिए, मैंने क्या बोला कि यदि सीमेंट के पेस्ट, मैंने क्या बोला, यदि जीआई शीट पर सीमेंट को रख करके कुछ समय जलाने पर यह अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए, यह भी एक फील्ड टेस्ट है। एक और फील्ड टेस्ट मैं आपको बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं, एक आपके पास सैंपल बता रहा हूं लगभग कितने का बनाते हैं, तो उसको बनाते हैं हम लोग 25x25x200 का, 25x25x200 का एक क्यूब बनाते हैं और उस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, 7 डेज की क्योरिंग करते हैं उस पर, क्या करते हैं 7 डेज की उस पर क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग करने के बाद में, और इसका जो रेशियो है ना सीमेंट सैंड का जो रेशियो यहाँ पे रखते हैं, सीमेंट सैंड का जो रेशियो रखते हैं वो 1:6 रखते हैं। कितना रखते हैं, 1:6 का एक हम लोग क्या बनाते हैं, इतने साइज का क्यूब बनाते हैं। इस क्यूब बनाने के बाद में हम इसको 7 दिन की क्योरिंग करते हैं। उसके बाद हम इसको 2 सपोर्ट्स के बीच में रखते हैं और 2 सपोर्ट्स के बीच में इसको 150 मीटर की दूरी पर रखते हैं। कितने पे, 150 mm की दूरी पर रखते हैं और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगाते हैं बीचों बीच में, 340 किलोन्यूटन का एक लोड लगाते हैं। तो 340 किलोन्यूटन का लोड लगाने पर एट दिस लोडिंग, मैं लिखूंगा एट दिस लोडिंग, देख बेटा एक चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी अभी भी, एट दिस लोडिंग इस लोडिंग के ऊपर इट शुड लिख देते हैं, जरूरी है तो मैं लिखा इट शुड नॉट शो फेलियर, मतलब ये आपका फेल नहीं होना चाहिए भाई, तो एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। तो बोलोगे तो सर फील्ड टेस्ट नहीं हुआ, ये तो आपका लेबोरेटरी टेस्ट हो गया। ठीक है, नहीं 200 है, लास्ट जब क्लास में एक बार मैंने लिखाया था तो मैंने उसको सही भी करा दिया था। ठीक है, लास्ट जब क्लास के अंदर मैंने बताया था तो मैंने इसको सही भी करा दिया था। अच्छा हाँ, इसको न्यूटन, किलोन्यूटन नहीं, इसको न्यूटन ही वैल्यू है आपकी, इसको सही कर दें, दिस इज न्यूटन, एक मिनट, ये आपका न्यूटन में है बेटा, दिस इज न्यूटन नॉट किलोन्यूटन। ठीक है, दिस इज 340 न्यूटन और ये वैल्यू सही है एकदम, 25x25x200 mm में है ना, 25x25x200 mm के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो ये बात समझ में आ गई आपको, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक टेस्ट है ना। बेटा स्लाइड पे सब कुछ आएगा, जो मैं क्लास में लिख रहा हूँ ना वो सब कुछ आपको स्लाइड में मिलेगा। तो मैंने क्या लिखा, पहला टेस्ट सीमेंट आपका ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है, इसे कलर टेस्ट कहते हैं। सीमेंट में गांठें नहीं पड़ी होनी चाहिए, सीमेंट को फिंगर के बीच में रब करने पर आपका स्मूथ फील होना चाहिए। उसके बाद में 340, अच्छा सॉरी एक मिनट गाइस, हो जाता है कई बार, 340 न्यूटन, ओके मुझे माफ करना बच्चों, ठीक है गलती से लिख गया था, ओके चलो, ओके चलें, गलती से लिख गया था वो, ओके माफ कर देना मुझे। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इस जगह पे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि सीमेंट के यदि बैग के अंदर हम लोग हाथ डालते हैं तो वो स्मूथ फील होना चाहिए या ठंडा फील होना चाहिए। सीमेंट की थोड़ी क्वांटिटी को यदि पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर डालने पर वो डूब जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए सरफेस, माइक्रोसेकंड्स के अंदर डूब जाता है। उसके बाद में सीमेंट के पेस्ट को फिंगर के बीच में यदि हम लोग देख रहे हैं, रब कर रहे हैं तो चिपचिपाहट यानी कि स्टिकी फील होना चाहिए। लास्ट में लिखा हुआ है आपके पास में कि जब सीमेंट के पेस्ट, सीमेंट को हम लोग एक जीआई शीट मतलब गैल्वेनाइज आयरन शीट के ऊपर, जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज आयरन शीट के ऊपर जब रख करके अगर कुछ समय के लिए जला रहे हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है कि और लास्ट में लिखा हुआ है आपके पास एक सीमेंट बाई सैंड का एक रेशियो 1/6 रेशियो का हम लोग एक 25 बाई 25 बाई 200 mm का एक क्यूब तैयार करते हैं, 7 दिन की क्योरिंग करते हैं, फिर उसको 2 सपोर्ट्स के ऊपर, ये क्या आपके पास में दीज आर द सपोर्ट, 2 सपोर्ट्स के ऊपर रखते हैं और दोनों सपोर्ट्स के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 150 mm और 150 mm दूरी पर रखने पर और इसके ऊपर पॉइंट लोड लगाते हैं इस पर 340 न्यूटन का, तो इस लोडिंग पर यह आपकी फेलियर को शो नहीं करनी चाहिए, कोई भी निशान नहीं दिखना चाहिए कि भाई फेल हो रहा है इस जगह पे। तो ये सारे आपके क्या है बेटा, ये सारे आपके पास में टेस्ट है किसके, और द फील्ड टेस्ट ऑफ द सीमेंट। समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये कल भी चलेगी भाई ये वाली क्लास सीमेंट की, क्योंकि सीमेंट एक बड़ा चैप्टर है तो आपको समझ में आना चाहिए, तो कल भी ये क्लास चलेगी, उसके बाद में नेक्स्ट वाले टॉपिक भी हम लोग इसी में कवर करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ लेबोरेटरी टेस्ट, टेंस मतलब जहां कंप्लीट करूंगा अगले दिन वहीं से शुरू करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी टेस्ट। अब देखो लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट है वो है आपके पास में कंसिस्टेंसी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा? पहला टेस्ट है आपके पास में कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब इसके लिए कौन सा आईएस कोड है, तो आईएस कोड 4031 पार्ट 4 1988। मतलब आपको कौन कौन से टेस्ट करने हैं, तो देखो सबसे पहला जो टेस्ट था वो था फील्ड टेस्ट। अब उसके बाद में आपके पास कौन सा टेस्ट आ गया, ये आपका है लेबोरेटरी टेस्ट या लैब टेस्ट, मतलब कि प्रयोगशाला में कौन कौन से परीक्षण या प्रयोगशाला में कौन कौन से आपके टेस्ट किए जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? लिखा है यूथ पब्लिकेशन में, वो मिसप्रिंट है क्या बेटा? देखो 3 से 6% थोड़ा गलत है, अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा तो 3 से 6% ही सही लग रहा है, तब सही करने का अपने पास मजबूरी हो जाती है, लेकिन जनरली हम लोग 3 से 4% मात्रा में लेकर के चलते हैं, ठीक है? चलिए ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है? और ये सब आपको दिख रहा है कॉमेंट बॉक्स में, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करते रहिए। चलिए आगे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आईएस कोड बता दिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब देखो कितना सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये जो आपका दिख रहा है ना, दिस इज द विकाट एपरेटस। क्या है आपके पास में? दिस इज द विकाट एपरेटस जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है? दिस इज द विकाट एपरेटस है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, हाँ पूरी मिलेगी, जो आप मैं लिख रहा हूं वो सब भी मिलेगा। ओके, सबसे पहले देखेंगे बेटा कंसिस्टेंसी टेस्ट 4031 पार्ट 4 1988। देखना इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। देखो सबसे पहला बात तो एपरेटस क्या है सर, तो एपरेटस है आपका विकाट एपरेटस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कंसिस्टेंसी के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, 3 चीजें निकालते हैं हम लोग विकाट एपरेटस से। पहला स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालते हैं, और ये किससे निकालते हैं बेटा? ये निकालते हैं प्लंजर से। प्लंजर जो होता है वो 10 mm का होता है। कितने का होता है बेटा? 10 mm का प्लंजर होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये 10 mm का प्लंजर। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग नीडल का इस्तेमाल करते हैं, 1 mm की नीडल होती है, ठीक है? उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम इसी से निकालते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग कॉलर का इस्तेमाल करते हैं, ये 5 mm कॉलर होता है। क्या होता है? 5 mm कॉलर होता है। तो सारी चीजें क्लियर यहां तक की? तो सुनो एक बार ध्यान से, सबसे पहले तो पहला लिखा है कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है वो पहली बार लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। किससे करते हैं? विकाट एपरेटस से। आईएस कोड 4031 पार्ट 4 1988 है आपका, जिससे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 चीजें निकालते हैं सिर्फ। सबसे पहला स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इसे हम लोग प्लंजर से निकालेंगे। उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम, इसको नीडल से निकालेंगे, 1 mm की नीडल। फाइनल सेटिंग टाइम कॉलर से निकालेंगे, 5 mm का कॉलर। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन सिर्फ इतने से। अभी खत्म नहीं हुआ, अब यहां जाइए। अब विकाट एपरेटस कैसा दिखता है तो वो आपके सामने है। ये आपका सॉलिड सरफेस है विकाट एपरेटस में, और नीचे यहाँ पे अगर जो मोल्ड रखा गया है भाई साहब, ये मोल्ड का जो आपके पास में ये जो आपको लेंथ दिखाई गई है, डायर दिखाया गया है, वो आपके पास कितना है बेटा? 80 mm है। इसका जो डाया है वो कितना है? 80 mm है। और इसका जो आपके पास हाइट है वो कितनी है? 40 mm है। मोल्ड का डाया और मोल्ड का जो आपके पास हाइट है वो 40 mm होगी। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जो ये जो आपका अरेंजमेंट है ये क्या कर रहा है? सिर्फ इस प्लंजर को यहाँ पे कनेक्ट करके रख रहा है। इसका रियल डायग्राम भी दिखाऊंगा। इसका जो हाइट होती है, इस प्लंजर की जो हाइट, प्लंजर की हाइट है टोटल मान लो, है ना, प्लंजर की जो हाइट है वो आपके पास 50 mm है, और इसमें ±0.5 mm, क्या बोला हूँ, ±0.5 mm का इसमें गैप डिफरेंस भी हो सकता है। और इसके बाद इसका जो डाया है वो कितना आपके पास में 10 mm है। तो बहुत सारी आपके पास कैलकुलेशन, बहुत सारी आपके पास में चीजें होनी चाहिए बेटा। एग्जाम में अगर पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको बता दिया है मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर नहीं पूछेगा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि याद नहीं रहता लंबे समय तक, लेकिन पूछेगा तो आप लोगों के पास उतना है कि आप आराम से बता पाओगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके कुछ टेस्ट कंडीशन बता रहा हूं। पहली बात तो इसको कब किया जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पर इसको किया जाता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये यहाँ पे देखोगे तो इसका जो आपके पास में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ है या डाया जो है वो आपका 80 mm है, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो आपके पास में 40 mm है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साथ में यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ होता है जिसपे आप लोग रीडिंग लेते हो। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज द प्लंजर। ठीक है, दिस इज द प्लंजर, इसी का डाया 10 mm होता है। ठीक है, और ये आपका सॉलिड सरफेस है, और ये आपकी नीडल भी रखी हुई है इस जगह पे, नीडल भी इस जगह पे पड़ी हुई है साइड में देखोगे तो। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको रूम टेम्परेचर बता दिया 27 डिग्री, नॉर्मल ह्यूमिडिटी बताऊंगा तो 90%। आजकल कई बार एग्जाम में ना ये क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर लेबोरेटरी की लैब के अंदर, इन लैब के अंदर पूछ रहा है कोई, तो आपकी 60 से 70% ह्यूमिडिटी जनरली हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन बेसिक ह्यूमिडिटी की बात करूंगा तो 90% ह्यूमिडिटी यूज की जाती है। आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की बात करूंगा तो सबसे पहले इसके हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं, बाद में इस पे आऊंगा। फिलहाल अभी ये देख लो, इसको बाद में देखना, पहले इसको देखो, डायमेंशन ऑफ द प्लंजर, और ये लास्ट पढ़ेंगे हम लोग, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा इस जगह पे, डायमेंशन ऑफ द प्लंजर, फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डायमेंशन ऑफ द प्लंजर में देखोगे तो डायमीटर जो है आपके पास वो कितना है आपका 10 mm प्लस माइनस 0.05 mm, सॉरी प्लस माइनस 0.05 mm का इसमें वेरिएशन आता है। इसकी जो हाइट है वो आपके पास 50 mm होगी, और इसका जो वेट होगा प्लंजर का वो लगभग 295 से और 300 ग्राम तक आपका वेट रहेगा इसका। ठीक है, कितना 295 से 300 तक इसका यहाँ पे वेट रहेगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा कैसे किया जाएगा। सबसे पहले 50 ग्राम हमें सीमेंट का सैंपल ले लेना है। क्या करना है, 50 ग्राम सीमेंट का सैंपल ले लिया, उसमें 23 से 24% मात्रा में हमने क्या किया, पानी को मिक्स कर लिया। क्या कर दिया, 23 से 24% मात्रा में हमने इसमें पानी को मिक्स कर लिया। उसके बाद में क्या किया सर, उसके बाद में हमने प्लंजर को इसमें पेनिट्रेट होने दिया। क्या किया, पहले तो 500 ग्राम सीमेंट ले लिया, 500 ग्राम सीमेंट को हमने क्या किया इसके अंदर डाल दिया। क्या किया, 500 ग्राम सीमेंट सैंपल को हमने क्या किया, सबसे पहले 500 ग्राम सीमेंट सैंपल को इसमें डाल दिया। सबसे पहले क्या किया, 500 ग्राम सीमेंट सैंपल को सबसे पहले तो इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद में हमने 23 से 24% पानी, जैसा हमने शुरू में बोला था, इसके अंदर हमने क्या किया, इसमें फिर ऐड किया हमने कितना, 23 से 24% पानी हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, और वाई द वेट ऑफ द सीमेंट, जैसे हमने 500 ग्राम लिया तो 500 ग्राम का 23 से 24% पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद हमने क्या किया, अब प्लंजर जो था आपका, उस प्लंजर को हमने इसमें पेनिट्रेट होने दिया। इस प्लंजर को हमने इसमें पेनिट्रेट, ऐसे जो है पेनिट्रेट इसमें होने दिया, जैसे ये था तो ऐसे हमने इसमें, एक मिनट, ठीक है, ऐसे हमने इसमें क्या कर दिया, पेनिट्रेट होने दिया, इसको नीचे जाने दिया। ऐसे ज्यादा, यहाँ पे क्लैंप है, इसको हटाओगे तो आप धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। तो जब इसमें सीमेंट भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, तो जब आपके पास में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सीमेंट मिलाते हैं 500 ग्राम 23 से 24% पानी, और फिर प्लंजर को जाने देते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। कब तक मिलाते हैं, जब तक, तब तक मिलाते हैं जब तक कि आपके पास ये जो प्लंजर है इसकी टोटल हाइट कितनी है 40। ये प्लंजर आपका या तो टॉप से 33 से 35 mm या बॉटम से 5 से 7 mm तक जब तक पेनिट्रेट नहीं कर जाता। तो देखो 33 और 7 40 35 और 5 40, मतलब कि या तो टॉप से 33 से 35 या बॉटम से, या तो टॉप से 33 से 35 या बॉटम से 5 से 7 mm तक जब तक ये पेनिट्रेट नहीं कर जाता तब तक हम लोग इसमें पानी मिलाते रहते हैं। और ऐसा देखा गया कि जब इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं, ये क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो ये देखा गया इसके रिजल्ट के टाइम पर कि जब इसमें 30% पानी मिला दिया जाता है, वेट ऑफ द सीमेंट का 30% पानी मिला दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर कंसिस्टेंसी पेस्ट, मतलब प्रॉपर एक पेस्ट बन के तैयार होता है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। किसे, पानी की उस मात्रा को हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं, जिस पर आपका बढ़िया एकदम जबरदस्त सीमेंट पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो ओपीसी के लिए जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है वो कितनी मानी गई है, 30% मानी गई है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का जो इस्तेमाल है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का जो इस्तेमाल है वो आपका IST FST, देखो इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रख लेना बेटा, दिमाग में फिट कर लेना। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, टेस्ट, अब आगे सुनो इस बात को, IST FST, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल, ये बेटा कोई नहीं बताएगा आपको, जो चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन सभी से पहले किया जाता है, इन सभी टेस्ट से पहले किया जाता है। इस बात को बेटा दिमाग में छाप लो अपने में, किया जाता है। क्लियर होगी बात, इन सभी टेस्ट के अंदर किया जाता है। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? अब आगे सुनो, मैंने क्या बोला कि विकाट एपिटस का इस्तेमाल हम लोग आईएसटी और एफएसटी निकालने के लिए भी करते हैं, जैसा मैंने शुरू में यहाँ पे बताया था आपको। ठीक है कि इसका इस्तेमाल आईएसटी एफएसटी में भी होगा। अब ध्यान से सुनेंगे आगे। और मैंने ये बात जो बोली है ना बेटा, ये बात को तो आप ना पत्थर की लकीर समझ लो। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो ये समझ लो आप ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल आईएसटी एफएसटी इनिशियल सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और साउंडनेस टेस्ट, इन सभी टेस्ट को करने से पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बेटा ये है सीधे। बेटा तुम कहाँ से, कोई विदेश से आए होगे तुम, जो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है? इसमें सिंपल ही लिखा हुआ है। तुमको इंग्लिश आती है तो हिंदी तो बोलते होगे तुम, और ये आपने हिंदी में लिखा है इस बात को। सर इंग्लिश में लिखो, ये भी तो तुमने हिंदी में लिखा है, वही मैंने लिखा हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। क्या लिखा? आईएसटी एफएसटी साउंडनेस, ये सारे टेस्ट इन सभी टेस्ट से पहले किया जाता है ना। ये जो टेस्ट है आपका, ये टेस्ट आपका, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इसको, ये टेस्ट आपका कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे, इन सभी टेस्ट से पहले किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखो, इसी टेस्ट से हम लोग आईएसटी और एफएसटी भी निकालते हैं। कौन से टेस्ट से? विकाट एपिटस वाले टेस्ट से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आईएसटी होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी में बेटा इसे कहते हैं प्रारंभिक जमाव काल। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? इसे कहते हैं प्रारंभिक जमाव काल। कल चलेगा भाई ये चैप्टर, कल ये भी चलेगा, लाइम भी चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा, मुझे लगा था कि मैं निपटा दूंगा, लेकिन आप लोगों की एनर्जी देख के मुझे लगा कि थोड़ा टाइम और देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनिशियल सेलिंग टाइम क्या होता है? देखो, सीमेंट में पानी मिलाने के बाद हम सीमेंट के साथ कितने समय तक इसको यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम। समझ में आई कहानी? सीमेंट में पानी मिलाने के बाद उसके साथ हम कितनी देर तक बड़े आसानी से काम कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, प्रारंभिक जमाव काल। ये एक बेसिक बात हुई। अब दूसरी बात यह, यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं देखूं तो एक ऐसा समय आफ्टर दैट, ए टाइम आफ्टर दैट, एक ऐसा समय जिसके बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को खोना शुरू कर देता है। बेटा वो भी कराऊंगा, वो पीवाईक्यूज के अंदर, उनके अंदर कराऊंगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को खोना चालू कर देता है तो उसको हम लोग, क्या बोला मैंने? जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को खोना शुरू कर देता है उस समय को हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। मतलब कि जैसे तुमने पानी मिलाया तो पानी मिलाने के बाद सीमेंट धीरे धीरे समय के साथ कैसा हो रहा है? हार्ड होता जा रहा है, तो सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को खोता जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज द इनिशियल सेटिंग टाइम। दूसरा, अब इसमें देखो एक बात समझो, ये समझ में आ गया इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है। अब बात समझो क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सीमेंट, कितना पानी आप मिलाओगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, टेस्ट वैसे ही किया जाएगा, 500 ग्राम सीमेंट लिया, फिर उसमें पानी मिलाया, उसके बाद प्लंजर की जगह इस बार नीडल का इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए? आईएसटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, एक बार ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितना पानी इस्तेमाल होगा सर? तो 0.85 पी, मतलब कि अब यहाँ पे पी क्या चीज है? देखो अभी हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाली थी, यहाँ लिखा हुआ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द, इसी टेस्ट को करेंगे फाइनल, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे वाटर, क्योंकि इनमें टाइम लगता है भाई समझाने में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए पानी की आवश्यकता, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? पी बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए पानी की आवश्यकता कितनी है? तो वो आपके पास में 0.85 पी है। तो यहाँ पे पी का मतलब हुआ पानी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए कितना पानी की आवश्यकता थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास मान लो पी की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, दैट इज 100 ग्राम थी आपके पास। ठीक है, 100 ml थी, मान लो कितनी थी आपके पास में, 100 ml थी पानी की मात्रा किसके लिए, और कितनी है ये? किसी भी सैंपल का 30% है। मान लो कोई सीमेंट सैंपल था ना, उस सीमेंट सैंपल के 30% के बराबर पानी मिलाते हो ना आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, बात सही है। तो मैंने कितना मिलाया? 30% पानी मिलाया। अगर मान लो वो 30% आपका जब तुमने चेंज किया तो वो 100 ml आया निकल के। तो अब तुम क्या करोगे जब आईएसटी टेस्ट करोगे ना, तो इसका भी 85% यानी कि इसका 85 ml पानी आप काम में लोगे। किसके लिए? आईएसटी निकालने के लिए। ये लिखा गया ना 0.85 पी का मतलब है, पी यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए पानी की आवश्यकता जितनी है उसका लगभग 0.85 टाइम्स, यानी कि अगर इसमें 100 ml पानी की आवश्यकता होती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, तो आईएसटी के लिए 85 ml पानी की आवश्यकता होगी। अब ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से ये बताओ मुझे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, क्लियर आपको? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा हुआ है कि देखो डायमेंशन क्या होगी नीडल की फॉर द फाइंडिंग द आईएसटी। पहले डाया इसका 1 mm होता है, एरिया जो होता है इसका 1 mm स्क्वायर होता है, उसके बाद जो प्रोजेक्शन होता है नीडल का वो 0.5 mm होता है, और उसके बाद में वेट जो होता है वो उसका 100 ग्राम होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। अब इस बात को ध्यान रखो, बहुत क्लियर सा है। पहले हमने पानी देखा था, पानी की जिस मात्रा पर आपका जो प्लंजर था वो या तो टॉप से 33 से 35 या बॉटम से 5 से 7 mm तक जब पेनिट्रेट कर जाता है तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं, उस पानी की मात्रा को। सेम अगर आईएसटी की बात चल रही है तो सीधी भाषा में बोल दो, जिस समय पर पानी का नाम चेंज करके समय कर दो, जिस समय पर आपके पास में जो नीडल है आपकी 1 mm स्क्वायर डायमीटर की जो नीडल है आपकी, वो जब आपकी 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाती है, टॉप से या बॉटम से 5 से 7 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, जनरली किताबों में कई जगह पे 35 mm लिखा हुआ है, उसको भी आप सही मानेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, दैट इज नोन एज द आईएसटी। और ओपीसी के लिए आईएसटी की वैल्यू 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। एक मैंने टेबल बना रखी है अपनी इसी के अंदर, जिसमें मैंने आपको सारे आईएसटी एफएसटी बता रखे हैं। एक टेबल बना रखी है जिसमें सारे टाइप के सीमेंट, चाहे वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, स्लैग सीमेंट, कुछ भी है, उन सभी के आईएस कोड भी बता रखे हैं। सिंपल भाषा में ये हुआ है ना, सिंपल भाषा में ये हुआ कि जब हम लोग सीमेंट के अंदर पानी मिला रहे हैं तो पानी कितना मिलाना है आईएसटी के लिए, इतना मिलाना है। देखो बहुत सिंपल है, शुरू से अगर देखूं ध्यान से तो पहली बात, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग इस आईएस कोड का इस्तेमाल करते हैं, इस एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, और इस एपरेटस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईएसटी निकालना है, कंसिस्टेंसी निकालना है, एफएसटी निकालना। सबसे पहले लेकिन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ही निकाली जाएगी। इसके सारे डायमेंशन आपको बता दिए, इसकी कुछ टेस्ट कंडीशन आपको बता दी। करना यह है कि 500 ग्राम सीमेंट ले लो, 23 से 24% पानी मिलाओ, फिर प्लंजर को इसमें पेनिट्रेट होने दो, और पेनिट्रेट होते होते आप कब उसमें पानी डालते रहो, और आप देखोगे कि 30% पानी की मात्रा पर, सीमेंट के वेट के 30% पानी की मात्रा पर बड़े आसानी से जो आपका प्लंजर है वो आपका पेनिट्रेट हो चुका होगा। कितने तक, 33 से 35 टॉप से मान लो, या 5 से 7 बॉटम से मान लो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एक चीज और बता दी, रिजल्ट बता दिया, और फिर विकाट एपरेटस का इस्तेमाल आईएसटी एफएसटी के लिए भी किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम लोग आईएसटी एफएसटी, साउंडनेस टेस्ट, टेंसर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन सभी से पहले करते हैं। क्यों करते हैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। कि देखो फिर आईएसटी आ गया। आईएसटी के लिए हम लोग सबसे पहले, आईएसटी होता क्या है, बेसिक लैंग्वेज में भी बता दिया, टेक्निकल लैंग्वेज में भी, कितने पानी की आवश्यकता होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 0.85 पीपी मतलब पानी की आवश्यकता किसके लिए, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आपके पास 30% है, तो 30% का भी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 30% होती है। अब मान लो कोई भी जगह पे सीमेंट का सैंपल है, अब उस सीमेंट के सैंपल का 30% जब तुमने निकाला हो तो मान लो 100 ml आया, तो यहाँ पे 100 ml से भी कम, यानी कि उसका 85% इस्तेमाल करते हैं, मतलब 85 ml इस्तेमाल करोगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के देखेंगे, यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे तो नीडल का डायमेंशन हम लोग नीडल का इस्तेमाल करते हैं आईएसटी निकालने के लिए। नीडल का डाया, एरिया, प्रोजेक्शन, वेट सब दे दिया। फिर बताया गया कि इस 1 mm डायमीटर की नीडल को हम लोग क्या करते हैं, जब पेनिट्रेट कर रहे होते हैं तो जब ये टॉप से 35 mm लगभग मान के चलो, एग्जाम में स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो 35 mm मानते हैं आईएसटी के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय को हम लोग बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम, और वो इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ पे कितना माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल सेटिंग माना जाता है आपका 30 मिनट, ठीक है। क्या माना जाता है, 30 मिनट। इनिशियल सेटिंग टाइम की वैल्यू ओपीसी के लिए कभी भी 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 30 मिनट से, देखो आईएसटी की वैल्यू 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, ये मतलब इसका। आगे सुनेंगे, बेटा नहीं होगा आज खत्म, सर खत्म करवाइए आज। बेटा खत्म इसलिए नहीं हो सकता, पहली बात तो दूसरी जो क्लासेज है वो भी हैं अभी, और दूसरी बात ये भी है बेटा नॉन टेक की भी क्लास चलेगी यहीं पे आपकी। एक सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे ज़्यादा जो है वो ये है आपकी, कि बेटा ये मैं आज पूरा 2 घंटे और ले लूंगा तो भी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैं बेस्ट कंटेंट दूंगा आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए हाँ, सारी क्लासेस YouTube पे चलेंगी, फ्री में चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं कि एक आगे आपका फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम पहली बात होता क्या है, ऐसे हम लोग बोलते हैं अंतिम जमाव काल। मतलब कि पहले मैंने बोला सीमेंट जिस समय के बाद में अपना अपनी प्लास्टिक प्रॉपर्टी को खोना शुरू कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेलिंग टाइम। और जिस समय पर सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से खो चुका है, उसे बोलेंगे फाइनल सेलिंग टाइम। मतलब अब उस सीमेंट को किसी जगह लगा दिया मैंने तो उसको निकाल के किसी दूसरी जगह नहीं लगा सकता मैं, उसे बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे बोला गया ए टाइम आफ्टर दैट सीमेंट लूजेस ऑल द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, एक ऐसा समय जिसके बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से खो चुका होता है, उसे बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। इसमें हम लोग 5 mm डाया का कॉलर इस्तेमाल करते हैं विकाट एपरेटस के अंदर ही। मतलब कि जैसे ये है ना, जैसे आपने ड्रिल मशीन देखी है ना, तो ड्रिल मशीन में ना वो लगते हैं रिबिट, आपने देखे होंगे रिबिट लगते हैं। तो कोई ड्रिल ज्यादा ड्रिल करने के लिए खोला, उसको लगा दी, मशीन एक ही होती है उसमें ड्रिल, या स्क्रू ड्राइवर आते हैं बहुत सारे देखे होंगे, अलग अलग तरीके के आगे के जो रिबिट होती है उनको निकालते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन स्क्रू ड्राइवर सेम रहता है। सेम ऐसी मशीन सेम है। इसको पहले प्लंजर का यूज करेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, इसको हटा देंगे नीडल लगाएंगे IST के लिए, इसको हटा देंगे कॉलर यूज करेंगे FST के लिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या बोला आपको कि 5 mm डाया का कॉलर यूज करते हैं हम लोग FST के लिए। अब करते क्या है हम लोग, इफ एट ए टाइम, देखो कॉलर क्या है, उसका प्रोजेक्शन है 5 mm, हमने कॉलर को भी यूज किया सेम पानी वाला। अच्छा इसमें पानी की मात्रा दिखा देता हूं, वाटर रिक्वायरमेंट इसमें कितनी होती है, सेम होती है। कोई पूछ ले आपसे तो वाटर रिक्वायरमेंट अगर कोई पूछे तो 0.85 P ये आपके पास में वैल्यू होती है, वही सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। पी क्या है, पी आपके पास में वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्या आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, पानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए पानी की आवश्यकता जो कितनी थी आपके पास, 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट, ठीक है। तो वही सेम होता है जो IST के लिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलर होती है ना, जब कॉलर आपकी सरफेस पर टच करती है, तो जब सरफेस पर टच करे लेकिन वो पेनिट्रेट नहीं हो, जैसे ये चीज तो पेनिट्रेट हो गई आपकी इस तरीके से, लेकिन जब आपका सरफेस के ऊपर कॉलर आपका पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा, उस सरफेस पर बार बार क्या कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से अटैक स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द फाइनल सेटिंग टाइम। उस समय को हम लोग बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए फाइनल सेटिंग टाइम की जो वैल्यू है वो 10 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम आपके पास बता दिया और फाइनल सेटिंग टाइम आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो भाई साहब ये आपके पास आज की क्लास में जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अगर आज की क्लास को बेटा ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, जितना चीजें मैंने आपको बताई, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सारे टेस्ट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइनेस टेस्ट क्या होता है, साउंडनेस टेस्ट क्या होता है दोनों के लिए, उसके बाद में इसका केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे, केमिकल टेस्ट के बाद में फाइनली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टोरेज देखो अभी बहुत कुछ है, देखो अभी स्टोरेज भी पढ़ेंगे, इसका स्टोरेज कैसे किया जाता है, स्टोरेज के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, फिर उसके बाद टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सीमेंट बहुत सारे हैं, इनके यूजेस बताऊंगा, ठीक है। पोज़ोलाना का क्या यूज होता है टाइप ऑफ सीमेंट में, उसके बाद में टाइप ऑफ सीमेंट व्हाइट सीमेंट, स्नो कैम सीमेंट, हाइड्रोफोबिक, IRST 40 मैसनरी, सल्फेट रेजिस्टेंट, एयर एंटेनमेंट सीमेंट, फेरो सीमेंट, ये सारे हो गए। फिर उसके बाद देखो इन सभी के IST और FST मैंने बता रखे हैं। अब तुम सोच रहे हो बस इतना सही है, नहीं, इसमें बहुत कुछ है सबका। ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के सीमेंट तो यही लिखे हुए जिनका सेम होता है, फिर यहाँ पे और आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में सभी के IS कोड भी इस जगह पे लिखे हुए हैं यहाँ पे, और लास्ट में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यह भी रह गया है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, देन उसके बाद हम लोग लाइम को शुरू करेंगे, ओके। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मुझे बता दें, दिल बिल सब आ जाने चाहिए। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको वहां ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। और जितना भी आज मैंने पढ़ाया है विद नोट, जैसे जैसे जो जो मैंने लिखा है नोट्स के अंदर, वो सब भी आपको क्लास के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। जो आपको टेलीग्राम चैनल में बताया उसके ऊपर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, और PW ऐप, जब आप जाएंगे PW ऐप पे तो वहां भी आप लोगों को जो है नोट्स देखने को मिलेंगे इसी क्लास के, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोगों को कैसा लगा पढ़ने में, ठीक है। और ये नोट्स जो आपको मैंने अभी पढ़ाए हैं ना, इनसे भी और खतरनाक खतरनाक चीजें आप लोगों की आएंगी क्लास के अंदर आगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डेली क्लास सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होती है। आप सभी 8 बजे या 11 बजे तक, मान लीजिए 8 से 11 बजे तक बिना रुके हम लोग लगातार पढ़ेंगे। ऐसा अगर आप 2 महीने कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कोई नहीं रोकने वाला, ना कोई रोक सकता है। आप लोग खतरनाक परफॉर्म करोगे और आप लोगों को कोई रोकने वाला है ही नहीं। इस सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप डेली रेगुलर जैसे जैसा हम लोग पढ़ा रहे हैं अगर आप पढ़ रहे हो उस क्लास को ढंग से ईमानदारी से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ऑल क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए आप इसको बार बार भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी है। अगर रेगुलर आप इस क्लास को देख रहे हो मैं गारंटी देता हूँ, फुल गारंटी देता हूँ आपको 1% भी कोई दिक्कत एग्जाम में बैठने पर नहीं होगी। अभी इसके PYQ फॉर्मूला बहुत सारे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कौन कौन से बनते हैं, BMC में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, सभी के बारे में अच्छे से डिस्कशन करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स तरीके से भर जाना चाहिए और आप लोगों का प्यार मुझे इस तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखता है। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और आप मुझे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल था इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आराम से। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर, ठीक है, देवेश सर PW, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारी बातें, डेली क्लास का लिंक वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारी चीज़ें आप लोगों को डीप में पढ़ाई जाएंगी, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। क्रैश कोर्स का मतलब आप लोगों को पेड वाला फुल मजा आने वाला है, चाहे कहीं पे भी पढ़ लेना, इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। ऑफ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लगातार धुआंधार जबरदस्त क्लास रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, नमस्कार।